तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बहुत ही जबरदस्त सेशन के अंदर। और यार ये बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट सेशन है। सेशन को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ पहले डिस्क्लेमर्स आप लोगों को देना चाहता हूँ। सबसे पहला डिस्क्लेमर ये है कि आप इस वीडियो को बेहतर है कि लैपटॉप पे बैठ के देखें। अगर आप सिर्फ अभी देख रहे हैं तो मोबाइल पे चल जाएगा, लेकिन एक बात की बच्चों गारंटी है, जब भी कभी आपको अपना खुद का फॉर्म सबमिट करना है, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन तो मैं दे रहा हूं, लेकिन आपको अपना फॉर्म कभी भी मोबाइल पे सबमिट नहीं करना। तो एक अच्छा सा लैपटॉप डेस्कटॉप कोशिश करिए आपके घर के अंदर ही हो, है ना, आपके किसी रिलेटिव या आपके किसी भाई बहन का हो, जहां पे अच्छे से बैठ के कंफर्टेबल होके आप अपना इस सेशन को अपने फॉर्म को सबमिट करें। ठीक है, आप देख चाहे मोबाइल पे सकते हैं, लेकिन फाइनल सबमिशन आपको लैपटॉप पे करनी है। सेकंड मेरे बच्चों, सेशन में मैं आराम आराम से, क्योंकि ये क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सेशन है, एक एक फील्ड के अंदर आपको क्या क्या भरना है मैं बड़े आराम से प्यार से बच्चों आपको बताता जाऊंगा। तो आप थोड़ा धीरे चलूंगा, एक एक वेबसाइट पे सारा डेटा हम फिल करेंगे आपके सामने, तो सारे क्रिटिकल पॉइंट डिस्कस करूंगा। तो आप लोग भी इसे आराम से बैठ के बच्चों समझिएगा और सुनिएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इस सेशन को अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के जरूर बेटा देखें, अपने पेरेंट्स को भी मेरी सारी बातों को सुनवाएं, और जब फाइनल सबमिशन भी आप करें, खुद मत करें, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के सबमिट करें। सेशन में आगे बढ़ने से पहले दो बातें आपको और बताना चाहता हूं। अपने घर के तीन मोबाइल नंबर इकट्ठे कर लो, आपको तीन मोबाइल नंबर टोटल चाहिए होंगे। पहले लास्ट ईयर दो रहते थे, एक प्राइमरी और एक हमारा रहता था ऑल्टरनेट, अब हमारे प्राइमरी, ऑल्टरनेट और इमरजेंसी मिला के टोटल तीन मोबाइल नंबर आपको अपने घर के चाहिए होंगे। तो मोबाइल नंबर आपके घर के होने चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो अगली बताने वाला हूँ वो ये कि आपको दो ईमेल आईडीज भी यहाँ पे अपनी देनी पड़ेंगी, एक इमरजेंसी वाली और एक आपकी खुद की। और ये ईमेल आईडीज भी आपकी खुद की होनी चाहिए या आपके पेरेंट्स की होनी चाहिए। गलती से भी किसी दोस्त का मोबाइल नंबर, किसी दोस्त की ईमेल आईडी, किसी साइबर कैफे का डेटा सबमिट मत करना, बाद में बहुत बच्चों दिक्कत आ जाती है। तुम छोटे छोटे बच्चे हो, कई बार तुमसे गलती हो जाती है, और होता है क्या है कि उस गलती लड़ाई होगी, है ना, उसका आपको पता नहीं लगता, ये छोटी है तो नुकसान हो जाता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन जो भी इस फॉर्म की रहेगी बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसे सिर्फ अपने तक ही बच्चों सीमित रखिएगा, और अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के इस फॉर्म को भरिएगा। आपकी फैमिली और आपके अलावा किसी का कॉन्टेक्ट नंबर, किसी की ईमेल आईडी नहीं जानी चाहिए। ये कुछ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स हैं। और हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चैनल पे सब्सक्राइब रहें, वीडियो को लाइक से शुरू करें, ताकि ऐसी वीडियोस आपको बच्चों रेगुलर बेसिस पे हम आप लोगों को देते रहें। ठीक है जी, तो चलो फिर शुरू करते हैं फटाफट। चैट बॉक्स में बता दो ऑल इज वेल। बिल्कुल, ये सेशन आप लोगों के सामने लाइव वेबसाइट पे कंडक्ट किया जाएगा, बच्चे पूछ रहे हैं, और सारी मैं आप लोगों को, है ना, बताऊंगा। और आपके जो भी क्वेरीज होंगी, बिल्कुल बच्चे कह रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करना, उसको हम बिल्कुल एड्रेस करेंगे। वैसे सेशन अगर मेरा पूरा सुनोगे ध्यान से, ये मेरी आप लोगों की गारंटी, आपकी कोई क्वेरी नहीं बचेगी, 1% भी आपकी क्वेरी नहीं बचेगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। मैंने आज सारा दिन इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है ताकि मेरे बच्चों को इसमें मैं पूरा मैक्सिमम हेल्प कर पाऊँ। ठीक है जी, तो चलिए मेरे बच्चों, ठीक है जी। तो यार अब शुरू करते हैं। यार ये एक्चुअली वेबसाइट का जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, तो वाइट बैकग्राउंड में थोड़ा सा हो सकता है आपको देखने में थोड़ा ज्यादा वाइट लग रहा हो, लेकिन वेबसाइट ही बेटा वाइट है बैकग्राउंड की, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बाकी आगे बढ़ेंगे तो इम्प्रूव होता जाएगा, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो यार शुरू करते हैं। यार सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए ये जेईई मेन की ऑफिशियल वेबसाइट है, और आपको इसी वेबसाइट से ही अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करना है। ये वेबसाइट है प्रॉपर, मैं वेबसाइट के अंदर हूँ, ठीक है जी। तो आपको इसी, है ना, jeemain.nta.ac.in, ये इसी वेबसाइट पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, तो पहला लिंक जो आपको मिलेगा ऑफिशियल इसी का मिलेगा। कई बार आजकल फ्रॉड बहुत चल रही है, ध्यान रखना, और फेक लगभग मिलती जुलती आईडीज बन जाती हैं, ये लिंक्स बन जाते हैं, गलती से अपनी इंफॉर्मेशन वहां मत सबमिट कर देना। तो ये जो भी ऑफिशियल हमारी है jeemain.nta.ac, इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप उसी लिंक पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा। अब यार जब तुम यहाँ पे आओगे बेटा, जेई मेन 2024 वाला, है ना, ये हमारा होम पेज है, तो जैसे बेटा तुम यहाँ पे आओगे, देखो यार जो न्यू कैंडिडेट है जो सबसे पहले रजिस्टर कर रहे हैं, तुम अभी सब टमाटर पहली बार रजिस्टर करोगे, सबसे पहले बच्चों तुम लोगों को यहाँ पे आना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे आओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, आप लोगों को एक आईडी, एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, और जब आपके एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, फिर आप अपना यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के अपने फॉर्म को, जो भी अभी बताऊंगा सारा प्रोसीजर, पासवर्ड वासवर्ड जो भी आप अपना सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप अपना आगे बढ़ सकते हो, और धीरे धीरे आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को सबमिट कर सकते हो। यार ये अब क्या प्रोसीजर है मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स अभी हम आगे जाके भरेंगे। तो उन्होंने क्या कहा है, ये धीरे धीरे तुम, क्योंकि एक दिन में सब भरोगे तो हो सकता है गलती ना हो जाए, और तुम्हें आराम से सब वेरीफाई करना है, तो इन्होंने आपको अच्छा खासा टाइम दिया है। तो पहले, सबसे पहले जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला बच्चा होगा उसको पहले यहाँ पे अपना आके रजिस्टर करना है, सबसे पहले
जब इसके बाद हमें डिटेल्स देंगे कुछ बेसिक, फिर एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, उसके बाद फिर हम अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के यहाँ पे अपनी फर्दर आगे जो और एकेडमिक डिटेल्स हैं उन्हें सबमिट करेंगे। ठीक है जी, तो चलो भगवान का नाम लेते हुए जयकारा शेरावली माता का बोल साचे दरबार की जाए, शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला कैंडिडेट बेटा सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेगा। अब यार जैसे तुम यहाँ पे क्लिक करोगे ये आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे बेटा सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का तुम्हें एक ऑप्शन दिखेगा। यार ये पक्के से बेटा डाउनलोड कर लेना। आपको मैं इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, लेकिन आप इसको डाउनलोड कर लेना। इस बुलेटिन के शुरुआत के जो 15-20 पेज है उन्हें आराम से पढ़िए, बिकॉज वो रजिस्ट्रेशन को लेके ही है। वो सारे वैसे मैं पढ़ के आपको सारे पॉइंट्स यहाँ बताऊंगा, बट स्टिल इट इज बेटर, ये आप जरूर पढ़ें। अगर आप खुद नहीं पढ़ पाते अपने पेरेंट्स को बोलें कि यार ठीक है हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा काम आप भी करिए हमारा, तो अपने पेरेंट्स को बोलो कि वो इसको जरूर पढ़ें और बहुत आपकी नॉलेज और भी गेन होगी। आगे जो प्रोसेस सारा है हमारा काउंसलिंग मुस्लिम का, काफी आपको आइडिया मिलेगा, तो एग्जॉस्टिव है, इसे जरूर बेटा यहाँ बैठ के अपना पढ़िएगा। अब यार जैसे ही बेटा है ना आप ब्रोशर पढ़ेंगे, ठीक है जी, मैं अब आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो मोटा मोटा बेटा इन्होंने फीस स्ट्रक्चर भी दे दिया है जब आप फाइनल पेमेंट करेंगे। तो अगर बेटा आप है ना बीई बीटेक, यूजुअली जो मैक्सिमम बच्चे इस चैनल पे बीई बीटेक वाले हैं, अगर मैं इनकी बेटा बात करूं तो आप में जो मेल है उसकी जो फीस है बेटा वो है 1000 रुपीज, जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, और जो फीमेल है उसकी है 800 रुपए। अगर आप फॉरेन नेशनल है तो मेल की 5000, और डेफिनेटली क्योंकि डॉलर्स हैं तो पैसे ज्यादा लेंगे हम, तो यहाँ पे जो फीमेल्स हैं उनकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 4000। और अगर आप बाकी कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपकी जो फीस है, जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 900 है मेल की, 800 है फीमेल की, और एससी एसटी की मेल की 500, फीमेल की 500। ठीक है, ये फाइनल जब लास्ट स्टेज पे जब आपको पेमेंट करनी है तो ये उसका हमारा रहेगा। अच्छा एक और बात बता दो, ये 1000 रुपए एक सेशन की फीस है। आप अगर सेशन वन सेशन टू दोनों में अपीयर होना चाहते हैं तो उन्होंने उसकी ऑप्शन अभी दे दी है। पिछले साल क्या होता था, सेशन टू के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ता था, तो यहाँ पे दोबारा अप्लाई का ऑप्शन भी आएगा। बट अगर आप अभी से ही सेशन वन सेशन टू को अपना रिजर्व करना चाहते हैं तो 2000 रुपए आपके लगेंगे। उसमें आप अभी भी आगे जाके आपको ऑप्शन दिखाऊंगा, तो आपकी फिर उस केस में मेल की फीस 2000 हो जाएगी, फीमेल की आपकी 1600 हो जाएगी। ठीक है ना, ये छोटी सी बात है दिमाग में रखनी है। बाकी जो बीटेक आर्किटेक्चर है उनके भी फीस दे रखी है। अपन नीचे आते हैं, हमारे काम का जेई मेंस है, तो अब नीचे जैसे ही बेटा आओगे नीचे आते जाना है, स्क्रॉल डाउन करते जाना है, यार ये मैंने शायद जूम ज्यादा कर लिया, हाँ जी नीचे करते जाने। यहाँ पे बेटा आप लोगों की एक सामने आएगी छोटी सी धमकी कि यार तुमने अपना इन्फॉर्मेशन ब्रोशर सब अच्छे से पढ़ लिया है और अब तुम तैयार हो अपनी रजिस्ट्रेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो ये धमकी यहाँ पे देंगे, इस धमकी पे आपने यस कर देना है। ठीक है जी, हमने पढ़ लिया है, पढ़ भी लेना थोड़ा सा, ठीक है जी। बाकी यस करके यहाँ पे चेकबॉक्स करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपने आगे बढ़ जाना है। अब मेरी बात को जरा सब बच्चे क्लियरली ध्यान से सुनना। जैसे बेटा अब आप करोगे, इस बार थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है इन्होंने मॉडिफाई किया है और थोड़ा सा इसको बदला है और कंफर्टेबल किया आप बच्चों के लिए। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे आप इसके आगे आओगे आपके सामने यहाँ पे चेक बॉक्सेस में कुछ कुछ ऑप्शंस आपको बेटा दिखेंगी, देख रहे हो। अब आगे बढ़ने के लिए आपको खुद को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, है ना, लॉग इन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे तुम आगे जाओगे बेटा तुम्हें यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस दी जाएंगी, तुम किन ऑप्शंस के जरिए खुद को ऑथेंटिकेट करना चाहते हो। अब मैं आपको बेटा बता देता हूं, अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट है और आप उसी के थ्रू बेटा अपना लॉग इन करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, आई हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन का चेकबॉक्स होगा, इसे आप सिलेक्ट कर देना। आई डू नॉट हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, आई विश टू क्रिएट माई डिजी लॉकर अकाउंट। अगर आप अपना डिजी लॉकर पहले क्रिएट करना चाहते हैं और फिर इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो फिर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। आई हैव अकेडमिक बैंक क्रेडिट आईडी, जिसको हम एबीसीडी आईडी बोलते हैं, कि मेरे पास बैंक के क्रेडिट की एक आईडी है जो बैंक की पासबुक की जो आईडी होती है, एंड और मैं उसके थ्रू जो मतलब मेरे नाम पे एक अकाउंट है, जैसे हम नेट बैंकिंग करते हैं तो उसके थ्रू मैं लॉग इन करके अपनी आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, तो आपके पास ये भी है बच्चों एक ऑप्शन। अब आई डू नॉट हैव अकेडमिक बैंक क्रेडिट और मैं उसे क्रिएट करना चाहता हूं अपनी आईडी को, है ना, तो आप इस ऑप्शन को ले सकते हैं। फिर आई हैव एन इंडियन पासपोर्ट और मैं उसके थ्रू लॉग इन करना चाहता हूं। आई हैव अ पैन कार्ड, मैं उसके थ्रू लॉग इन करना चाहता हूं। आई हैव आधार एनरोलमेंट नंबर एंड आई विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग आधार एनरोलमेंट नंबर। अब देखो यार, है ना, अगर आप फॉरन नेशनल हो तो लास्ट ऑप्शन आपके लिए नॉन इंडियन पासपोर्ट। अब यार मैक्सिमम बच्चे जो मैं जानता हूं यहाँ पे आधार के थ्रू लॉगिन करेंगे, 99.99% आप में से मैक्सिमम बच्चों के आधार नंबर जो है बच्चों वो हमारे बन चुके हैं, है ना, आपने अपने आधार नंबर बनवाए होंगे, तो आप अपने आधार नंबर के थ्रू यहाँ पे बच्चों लॉगिन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जो होंगे वो आधार वाले होंगे आई गेस। अब थोड़ा सा फर्क समझ लो, सब सेम है, जैसे मर्जी कर लो, क्योंकि डेफिनेटली अभी कईयों के पासपोर्ट नहीं बने होंगे, कईयों की बैंक क्रेडिट आईडी नहीं होगी, अभी डिजी लॉकर भी हो सकता है, उतना ज्यादा बच्चे अभी ना यूज कर रहे हो, ठीक है जी। अगर आप कर रहे हो तो यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे आधार वाले होंगे, तो मैं आधार के थ्रू आपको लॉगिन करके पूरा प्रोसीजर आगे बता रहा हूं।
सभी सेम है, बस फर्क जो होगा छोटा सा मैं आपको फर्क समझा देता हूँ। फर्क इतना होगा कि अगर आप आधार के थ्रू लॉग इन करते हैं, सॉरी अगर आप डिजी लॉकर के थ्रू लॉग इन करते हैं, तो फिर आप लोगों को वहां पे अपनी आइडेंटिटी, जब फाइनल जब जेई मेंस का पेपर देने जाओगे तो वहां पे एंट्री गेट पे आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है। तो अगर आपने डिजी लॉकर से किया होगा तो आपको बहुत जल्दी वहां पे एंट्री दे देंगे, आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा। अगर आप बाकी किसी आईडी से जाते हैं, आधार आईडी से जाते हैं, तो उस केस में बस वहां पे थोड़ा सा एक घंटा पहले पहुंचना होता है और वहां पे फिर आपकी एंट्री को वो आपका मैच करेंगे, शक्ल सेम है भैया, मास्क को उतार के देखेंगे, सब बढ़िया है ना, तो फिर आपको भेजेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाएगी और कुछ भी नहीं है ना। जैसे आजकल एयरपोर्ट पे भी आप देखते होंगे है ना, जो डिजी लॉकर के थ्रू होती है उनकी अलग से एक लाइन होती है ना, उसके थ्रू वहां पे लॉग इन कर जाते हैं। ठीक है, बस ये छोटा सा मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन था, बाकी सब सेम है। तो आई गेस मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे आधार एनरोलमेंट नंबर वाले होंगे। ठीक है, तो अपना आधार नंबर बेटा यहाँ पे डाल देना, यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। तो जैसे आप आधार नंबर डालोगे, अब आपका आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होता है, आप अपना आधार नंबर डालोगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा है ना। आप यहाँ पे उस आधार नंबर डाल के क्लिक हियर टू प्रोसीड करना, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल देना, आपका ऑथेंटिकेशन हो गया, अब वो आपके आधार नंबर से आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, फटाफट चैट बॉक्स में बताओ भैया यहां तक समझ में आ रहा है, बल्ले बल्ले करो जरा, बल्ले बल्ले करोगा ठीक है ना। मैं यहाँ पे आधार नंबर अपना ऑब्वियसली डाल नहीं सकता है ना, नहीं तो तुम लोग मिसयूज कर लोगे, तुम में से बहुत बच्चे खुराफाती बैठे होंगे यहाँ पे है ना। जल्दी बताओ चैट बॉक्स में यूज करोगे कि नहीं करोगे है ना, करोगे कि नहीं करोगे। ओके जी, तो अब है ना आगे बढ़ते हैं यार। यस सर तो ठीक है, बच्चे कह रहे नहीं करेंगे, बेटा तुम लोग शरीफ हो, कुछ होते हैं बीच में शैतान लोग। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें आगे बताता हूँ, आगे तुम्हें क्या क्या दिखने वाला है। हम वेबसाइट के थ्रू भी आपको जाते जाएंगे, जहां जहां पे थोड़ी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वहां पे मैं आपको थोड़ा स्लाइड्स पे दिखा दूंगा, बाकी हम पूरा वेबसाइट के थ्रू ये सारा फॉर्म आराम से बच्चों भरेंगे। तो यार देखो यार, यहाँ पे यही मेरा आधार नंबर हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे डाला, आपसे यहाँ पे बेटा ओटीपी पूछा जाएगा, आप अपना ओटीपी यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या आएगा, आगे आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है ना, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना है। तो डाल दिया आपने आधार नंबर, डाला आधार नंबर, डाला क्लिक हियर टू प्रोसीड किया। इसके बाद बेटा जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, और चलो भाई आ जाओ है ना, तो हम आगे आ जाएंगे। अच्छा देखो, ये इनके ब्रोशर में लिखा हुआ है, कैंडिडेट एडवाइज्ड टू रजिस्टर थ्रू डीजी लॉकर एबीसी आईडी है ना। अगर आप डीजी लॉकर इससे करते हैं तो बेटर है, और अगर क्योंकि बस वही है कि वहां पे जाके आपकी एंट्री आसान हो जाएगी, और अगर आप किसी और के थ्रू करते हैं है ना, डीजी लॉकर या एबीसी आईडी के थ्रू नहीं जाते, तो आपको एक घंटा पहले अपना एग्जामिनेशन सेंटर पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब मुद्दे की बात आती है बेटा, जब आप अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर दिख रहा होगा, यू गाइस विल सी योर आधार नंबर हियर। और आधार नंबर जब आपको अपना यहाँ पे बेटा दिख रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे अब आपका माहौल बनना शुरू हो गया। तो यहाँ पे बच्चों आपको दिखेगा अपना कैंडिडेट का नाम है ना। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब आप बेटा यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे ये रेड कलर से हाईलाइट हो जाएगा, आपका जो नाम है वो मैच करना चाहिए आपके 10th के सर्टिफिकेट पे आपका क्या नाम है। और एक और बात बताऊं, आपके आधार कार्ड पे भी आपका जो नाम है आपके 10th के सर्टिफिकेट के साथ मैच करना चाहिए, नहीं है तो उसे करवा लो, हो जाता है जल्दी ये, अब लॉग इन से ही आपका ऑनलाइन घर बैठे हो जाता है ना आपका आधार पे भी। तो बेसिकली ये सब सिंक में होने चाहिए, आधार पे जो आपका नंबर है और जो इन्फॉर्मेशन तुम यहाँ पे दे रहे हो, और डेफिनेटली जो तुम्हारा आधार पे नाम है वही नाम यहाँ पे डालोगे, और वो नाम तुम्हारे 10th के सर्टिफिकेट के साथ मैच होना चाहिए, और तुम्हारे 10th के सर्टिफिकेट पे जो तुम्हारे पिताजी का नाम है, फादर्स नेम है, वो भी बेटा यहाँ पे मैच होना चाहिए। ठीक है जी, और आपकी माता का जो नाम है वो भी आपको यहाँ पे मैच होना चाहिए। तो बड़ी क्लियर कट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तुम्हारे माता का नाम, तुम्हारे पिता का नाम, तुम्हारा खुद का नाम, तुम्हारा जो 10th का सर्टिफिकेट है वो डिसाइड करेगा। तो 10th के सर्टिफिकेट में जो जो वहां पे सबमिटेड है उसको अपना भर देना। ठीक है जी, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब रहे चैनल पे, ताकि ये सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली बच्चों पहुंचती रहे। अब आगे बढ़ते हैं यार, अब जैसे बेटा हम इसके आगे जाएंगे, ठीक है जी, तो मैंने देखो अपना नाम डाल दिया विनय कुमार शिवल, तो पिताजी का नाम डाल दिया, माता जी का नाम डाल दिया, इसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, मैंने अपनी भर दी, आप भी अपनी भर देना। वैसे तो मैं स्वीट 16 हूं, आपकी जो भी स्वीट 16 है आप अपनी एज भर दीजिएगा, जेंडर मेल जो भी हो फीमेल भर दो। अब यहाँ पे बेटा पूछा जाएगा पहचान के प्रकार है ना, किससे आप अपनी पहचान देना चाहते हैं, तो आपसे बेटा पूछा जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, किसके थ्रू, वही पैन कार्ड, पासपोर्ट है ना, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर ड्राइविंग लाइसेंस लोगे तो नीचे फिर आपको उसका नंबर मांगेगा, पैन कार्ड भरोगे तो पैन कार्ड का नंबर मांगेगा, पासपोर्ट भरोगे तो पासपोर्ट का नंबर मांगेगा। और यहाँ पे आधार की ऑप्शन नहीं आती, बट अगर आधार की ऑप्शन नहीं आती कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ पे एक ऑप्शन होती है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, तो यहाँ पे आप आधार का नंबर भी डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, तो आप बस ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी है ना, कोई वैलिड गवर्नमेंट, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, तो आपको कोई नया कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, आधार से लॉग इन कर रहे हो तो आधार ही बना लेना, बस सिलेक्ट ऑप्शन ये करके यहाँ पे अपना आधार नंबर जो होगा उसको अपना
डाल देना। और ये सारी इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, इनको बिना सबमिट किए आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है जी। अब जैसे बेटा और आगे बढ़ेंगे तो आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस अपनी जो स्टैंडर्ड डिटेल्स है, जहां रहते हो, लोकेलिटी हो गया हमारा, देश हो गया, पिन कोड जो हो गया ध्यान से भरना, मोबाइल नंबर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ बेटा, आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर दो बार पूछेंगे, वो देख रहे हो, क्योंकि अभी आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो रहा है, तो दो बार मोबाइल नंबर पूछेंगे। तो मोबाइल नंबर जब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे भर देना, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ भर देना। तो दो बार अपना मोबाइल नंबर अच्छे से भरना। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, मोबाइल नंबर किसी दोस्त का मत भरना, मोबाइल नंबर तुम्हारा खुद का या तुम्हारे पेरेंट्स का होना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा पेरेंट्स का रख लो, बेटर है ना। तब जब भी, क्योंकि जब इसका प्रोसीजर अभी फिर बाय डिफॉल्ट फिक्स हो गया, तुम्हें कुछ भी चेंजेस करने हैं, तुम्हें मोबाइल पे बार बार ओटीपी देना पड़ता है, ठीक है, तो तुम्हें अपने फिर पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, तो बेटर है वो भी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो बेटर है अपने पेरेंट्स का नंबर यहाँ पे आप भरिए, प्राइमरी जो आपका नंबर रहेगा। फिर इसके नीचे ईमेल एड्रेस भी आपसे पूछेगा और ईमेल को कंफर्म भी करेगा, मेरे समझ रहे हो, है ना, ईमेल को कंफर्म भी करेगा, है ना, आपका देखो ईमेल है, फिर ईमेल को कंफर्म भी करेगा। ये सारी डिटेल्स आप बेटा भर देना, ठीक है। तो दो बार ईमेल डालनी पड़ेगी, दो बार मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ताकि आप वो चेक करें कि तुम ठीक डाल रहे हो, ठीक है। तो दो बार फोन डालोगे, मतलब सेम ही फोन नंबर दो बार डालोगे, सेम ही ईमेल दो बार डालोगे। और फाइनली एक आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। अब अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ भर देना, कोई इमरजेंसी हो तो उस नंबर पे तुम्हें रीच आउट कर पाए। अब ध्यान से सुनना, अल्टरनेट नंबर भी तुम्हारे घर का होना चाहिए, गलती से भी किसी दोस्त का मत देना। इसके अलावा तुम्हें एक मोबाइल नंबर अभी आगे जाके और चाहिए होगा, जब तुम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे वो होगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। तो वो नंबर आपका इन दोनों नंबर से अलग होना चाहिए। अगर आप सेम नंबर इमरजेंसी में भरोगे वो उठाएगा ही नहीं, वो बोलेगा कि भैया आपने पहले ही भर दिया, तो वो तीसरा नंबर कोई होगा आपके घर का। तो तीन मोबाइल नंबर आप लोगों को चाहिए होंगे इस पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान, और दो ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी याद होगे, एक इमरजेंसी में भी ईमेल आईडी आपसे पूछी जाएगी, एक अपनी ईमेल आईडी बच्चों आप अपनी वहां पर सबमिट करेंगे, ठीक है मेरे टमाटरों। अच्छा, जब इसी के साथ आगे बढ़ोगे ये सारी कहानी हो जाएगी। इसके बाद आपसे पासवर्ड का माहौल पूछेगा, ठीक है ना। अच्छा, पासवर्ड अभी आगे आएगा, तो इसके बाद आपसे एक और ऑप्शन पूछी जाएगी, ये आपका होगा प्रेजेंट एड्रेस, है ना। ये था आपका कौन सा एड्रेस बच्चों, ये था प्रेजेंट एड्रेस, ये प्रेजेंट एड्रेस है। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा बेटा परमानेंट एड्रेस, तो हो सकता है कोई बच्चे के मतलब परमानेंट एड्रेस कहीं और हो, अभी पिताजी की कहीं जॉब कहीं और है, तो हो सकता है कहीं और हो, है ना, वो काम कर रहे हो, तो जो जहां पे अभी लेटेस्ट रहते हो उसके एड्रेस भर देना। और अगर बाई चांस तुम्हारा सेम है, प्रेजेंट ही परमानेंट है, तो उन्होंने काम आसान कर दिया, चेकबॉक्स इधर आएगा, चेकबॉक्स पे सिलेक्ट करके अपना आगे बढ़ जाना, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे कायदे की बात बेटा आएगी, आपसे पासवर्ड यहाँ पे पूछेगा, पासवर्ड आपको यहाँ पे दो बार डालना पड़ेगा भाई कंफर्म करने के लिए। पासवर्ड बेटा अच्छा चूज करना, बिल्कुल ऐसे मत कर लेना, है ना, कि भैया मतलब 123 घर का नंबर है अपना, है ना, समझ रहे हो, मतलब है ना, घर नाम राजू है तो राजू का @123, ये हरकतें मत करना। तो पासवर्ड अच्छा चूज करिएगा, एक कैपिटल लेटर रखो, स्मॉल केस रखो, है ना, @ सिंबल रखो, नंबरिक रखो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो। मम्मी कसम उठा लो, पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना बच्चों, इसमें कोई, अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे तुम्हारा पासवर्ड पूछ रहा है तो मतलब वो दोस्त ही घटिया है, समझ लो इस बात को। कई बार होता है ना, मैंने देखा है, ये हो रखा है बेटा, आपको लग रहा होगा विनय सर इतना बोल रहे हैं, मैंने देखा है पास में ये बेवकूफियां करते हुए। मैं पूछता हूँ तूने क्यों बताया उसको, तूने तुझे क्या जरूरत थी, सर वो कह रहा था मैं, मेरा सच्चा दोस्त है तो मुझे बता। तो कोई भी दोस्ती इससे प्रूव नहीं होती किसी को अपना पासवर्ड बता के, जो ढंग का अकलमंदी वाला बड़ी सोच वाला दोस्त होगा वो ये मांगेगा नहीं तुमसे। तो पासवर्ड बेटा तुम्हारे बीच में और तुम्हारे माता पिता के बीच में ही होना चाहिए, या बड़ा भाई बहन, छोटा भाई बहन भी नहीं, छोटे भी आजकल बड़े शरारती होते हैं, है ना, लड़ाई हुई तो भैया कांड कर दिया। तो बस तुम या तुम्हारे माता पिता या बड़ा सेंसिबल जो आपके घर में बड़े भाई बहन है, मैक्सिमम उन्हीं के बीच में आप रख सकते हो, इसके अलावा कोई तीसरा बंदा पासवर्ड में नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर तुम पासवर्ड भूल जाओ फ्यूचर में, तो उसको रीजनरेट करने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे। सिक्योरिटी क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ, जब आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन आएगा, तो यहाँ पे पूछा जाएगा भैया सिक्योरिटी क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर बर्थ सिटी, व्हाट इज योर नेबर एंड पेट नेम, ये सारे नाम है, है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर बर्थ सिटी, व्हाट इज योर नेबर एंड पेट्स नेम, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, What is your favorite book? तो जो भी इन questions में से मुझे लगता है कि birth city हो गया, first school हो गया, ये usually बहुत standards हैं जो आप भूलते नहीं हो। बाकी आपको जो अच्छा लगे अपना यहाँ पे जो security question है उसे आप अपना select करके अपना answer भी submit कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे security question पूछ के उसका answer भी मांगेगा, बाप future में फिर इसी answer से अगर आपका answer match करेगा तभी आप अपना password अगर भूल रहे हो तो reset आपका कर पाओगे, तो दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे बेटा मैं आपको एक और बात बताऊं बेटा, ये जो आपसे पूछा जाएगा सिक्योरिटी पिन, तो सिक्योरिटी पिन आप एंटर करना। अब मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ पे हर स्टेप पे सिक्योरिटी पिन बार बार आता है, तो ये बहुत इरिटेटिंग सा है, बट हाँ ये जो भी है इसको भर देना।
अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये सिक्योरिटी पिन तुम्हें विजिबल नहीं है, तो यहाँ पे रिफ्रेश की ऑप्शन दी हुई है, इसको रिफ्रेश करके अपना आगे बढ़ जाना। लेकिन सिक्योरिटी पिन बच्चों आपको अपना डालना ही डालना है, ठीक है मेरे बच्चों? तो सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालना पड़ेगा, जब कभी ना समझ में आए तो रिफ्रेश कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये थोड़ा इरिटेटिंग है बट हाँ ये करना पड़ेगा भाई। अब जैसे यार आगे बढ़ोगे, ठीक है जी, तो अब मैं आपको बता देता हूं, अब जब इसके बाद आप क्लिक करोगे तो फाइनल आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपसे पूछा जाएगा, भैया ध्यान से देख लो, तुम्हारा नाम, तुम्हारे माता पिता का नाम और तुम्हारे तुम्हारा जो भी ये जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी, है ना, गार्जियन नेम, पहचान नंबर, अब आपका जो आधार नंबर है यहाँ पे जो भी आपने सबमिट किया होगा वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है? तो ये सारा आपका पता, राज्य, पिन कोड, ये सारी बेटा डिटेल्स, आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं आपको यहाँ दिख रही होगी। और फिर वो बेटा यहाँ पे आपको बार बार बोलेगा कि अभी भी देख लो, अगर एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देना एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, और अगर तुम्हें सबमिट करना है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे अपना आगे चले जाना। तो यहाँ पे अगर तुम्हें लगता है कि भैया सारी डिटेल्स ठीक है तो सबमिट कर देना। मैं कहता हूं यहाँ पे बेटा आराम से तसल्ली से 15 मिनट लगाना, और 15 मिनट आप सभी फैमिली वाले इकट्ठे बैठ के देख लो अच्छी तरह से कि भैया सब ठीक है, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं, क्योंकि यार फ्यूचर में फिर नहीं कर पाओगे। और एक बात बता दूं, इन्होंने क्लियर कट धमकी दी है, अगर आप लोगों ने मल्टीपल एप्लीकेशन की एंट्री दी, अगर आपकी वहां पे एंट्रीज मल्टीपल हैं एक बच्चे की तरफ से, तो मल्टीपल एप्लीकेशन की वजह से आप लोगों का फॉर्म कैंसिल क्लियर कट कर दिया जाएगा, ठीक है जी? तो ये भी उन्होंने क्लियर कट बेटा वहां पे धमकी दे दी, ठीक है मेरे टमाटरों? अब जैसे ही बेटा तुम आगे बढ़ोगे, ठीक है जी, आपको एक और मस्त बात बताता हूं। यहाँ पे जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों का प्रॉपर ये पूछा जाएगा एक, अच्छा आपसे ये कहते हैं ना कि इतनी जल्दी आप बोल दो कि सब ठीक है, वो भैया प्रूफ लेगा, एक एक पे चेक बॉक्स आएगा, मम्मी का नाम, मेरा नाम, पिताजी का नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा जेंडर, मेरा एड्रेस, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, एक एक चेक बॉक्स तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सब ऑथेंटिकेट तुमने कर दिया कि भैया एक एक टिक करके कि भैया सब ठीक है, अब मैं आगे बढ़ने को तैयार हूं, यहां पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे तुम जा सकते हो। यहां पे एडिट, यहां पे आई एग्री का बटन भी आएगा, ये सभी सिलेक्ट कर लेना, ऊपर आई एग्री पे क्लिक करना, एडिट रजिस्ट्रेशन भी जा सकते हो अगर कुछ दिक्कत लगे, नहीं लगे तो फिर तुम जाओगे। अब उन्होंने भी तुमसे गारंटी ले ली कि भैया एक एक चीज तुमने ढंग से चेक की है, तो यहां पे 15 मिनट अपने बेटा जरूर लगा लेना। चैट बॉक्स में बोलो लगाओगे, फटाफट बोलो लगाओगे कि नहीं लगाओगे, एवरीबडी यस सर, है भी मेरे टमाटरों, लगाएंगे, जय माता दी है, यस सर। तो जैसे मेरे बच्चों यहां पे आप लगाएंगे पूरा टाइम, फिर आपका बेटा माहौल पूरा सेट, आपके पास फोन पे आएगा ओटीपी नंबर, आप अपना सबमिट कर देना, सबमिट करके कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाइयों वाला मैसेज आ जाएगा, अब आपकी यात्रा टूवर्ड्स एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज शुरू हो चुकी है, ठीक है जी? तो वही भगवान का नाम लेते हुए ओके पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक करके आपकी ईमेल आईडी पे, है ना, ये जो भी हमने यहाँ पे वेरीफाई किया, ये मैंने ओटीपी डाला, वेरीफाई किया, आपकी ईमेल, ये आपको सिंबल दिख जाएगा, और तुम बाहर होम पेज पे आ जाओगे, तुम होम पेज पे आ जाओगे तुम्हें ये सिंबल दिख जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग एप्लीकेशन नंबर, एंड इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड तो, है ना, चेक योर स्पैम। तो कई बार क्या होगा, हो सकता है कि तुम्हारी स्पैम में आ जाए अगर तुम्हें अपनी ईमेल में नहीं दिख रहा, तो ईमेल आईडी पे ही वैसे आ गया था मेरे भी, तो आपके भी आ जाएगा, बट स्पैम में कई बार चेक कर लेना, दिक्कत हो जाती है, ठीक है जी? तो कांग्रेचुलेशंस बेटा, हमारा यहां पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, ठीक है जी? तो अब हमारा एप्लीकेशन नंबर हमें ईमेल आईडी पे मिल गया। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे दोबारा मेरे बच्चों एनटीए की वेबसाइट पे, ठीक है जी? तो अब एक काम करते हैं यार, होम पे आते हैं ना, अपन होम पे आ जाते हैं। तो देखो यार, मैं यहाँ पे एनटीए की फिर दोबारा वेबसाइट पे आ गया, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं अपन, ठीक है जी? तो अब मेरे बच्चों देखो, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन नंबर क्रिएट किया, अब आप अपना एप्लीकेशन नंबर क्रिएट कर चुके हो, अब आपको एप्लीकेशन नंबर मिल गया है, अब अपना एप्लीकेशन नंबर अपना यहाँ पे बेटा सबमिट कर देना है, जो भी पासवर्ड किया था वो पासवर्ड डाल देना है। अब मैं आपके सामने करता हूं, देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मैंने जो डमी अपना बनाया है अपनी डिटेल्स देके, वो ये वाला है, तो मैंने यहाँ पे इसे डाल दिया। पासवर्ड भैया डाल देते हैं, आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है जी? तो आइए मैं आपके सामने यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ, लेट मी पुट द पासवर्ड हेयर, ओके, ठीक है जी? तो ये हमने डाल दिया विनय सर पासवर्ड, ठीक है जी? अब पासवर्ड डालने के बाद यहां पे पूछ रहे सिक्योरिटी पिन, तो सिक्योरिटी पिन यार ये देखो, ये थोड़ा गंदा तो लग रहा है पर ठीक है ना, ये चलो दिख तो रहा है मुझे, डाल देता हूं मैं, अगर ना दिखे तो चेंज कर लेना। तो 008 6495 008 6495, बच्चों ठीक है ना, 008 6495, ठीक है मेरे भाई?
बिल्कुल सेटल है, ठीक है जी। चलो यहाँ पे लॉग इन कर लेना है, ठीक है, तो ये डाल के लॉग इन कर लेना। अच्छा, अगर कभी भूल जाओ पासवर्ड वगैरह तो फिर यहाँ पे फॉरगॉट है ना पासवर्ड नंबर का यहाँ पे एक टैब दिया हुआ है, बेवकूफी मत करना, तभी कह रहा हूँ पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना इसके अंदर, ठीक है। तो फिर उस केस में अपना फॉरवर्ड पासवर्ड पे जाके रिट्रीव भी कर सकते हो। लो मेरे टमाटरों, चक के हमने इस पे लॉग इन कर दिया, और जैसे ही हमने बेटा लॉग इन किया, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म पे टिक है, तुम्हें यहाँ पे क्रॉस दिखेगा है ना, क्योंकि मैंने भर दिया है, ताकि डेफिनेटली इस लाइव वीडियो के अंदर फिर टाइम थोड़ा कम लगेगा, अगर एक एक डिटेल आपके सामने डालूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे देखो तीन स्टेजेस हैं टोटल रजिस्ट्रेशन की। सबसे पहली स्टेज है रजिस्ट्रेशन, दूसरी स्टेज है बच्चों हमारी एप्लीकेशन फॉर्म की, तीसरी स्टेज है हमारी बच्चों फी पेमेंट की। तो सबसे पहली स्टेज जो है बेटा वो है हमारी रजिस्ट्रेशन। तो तुम लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, तुम्हें यहाँ पे टिक दिखेगा, यहां पे तुम्हें बेटा क्रॉस दिखेगा, और यहां भी तुम्हें बच्चों क्रॉस दिखेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान से सुनना, अब हम अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, अब हमारी देखो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, अब विनय सर हम हमारी एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे। अब जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब एप्लीकेशन फॉर्म में बेटा ये जब आप देखोगे इस वेबसाइट पे, ये इतनी डिटेल्स भैया पूछते हैं कि तुम सोच नहीं सकते। इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल पूछेगा, देखो कॉन्टैक्ट डिटेल जो है ना ये बाय डिफॉल्ट फील्ड होगी, तुम्हें कॉन्टैक्ट डिटेल पे भी टिक दिखेगा, ठीक है, देख लेना, मतलब ये फील्ड होगी बाय डिफॉल्ट, ये वही वाली है जो तुमने पहले सबमिट की है रजिस्ट्रेशन वाली। फिर इसके अंदर पर्सनल डिटेल पूछेगा, एग्जाम सेंटर डिटेल पूछेगा, क्वालिफिकेशन डिटेल पूछेगा, एडिशनल डिटेल पूछेगा, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल पूछेगा, डॉक्यूमेंट फाइनली जब आप अपनी अपलोड करोगे अपनी फोटोग्राफ अपने सिग्नेचर को, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो वाला, फिर वो पूछेगा, और फाइनल फिर आप अपना सबमिट करोगे। फाइनल सबमिशन पे भी आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, तो फिर यहाँ पे उसका वेरिफिकेशन होता है, वो चेकबॉक्स होता है, फिर फाइनली आप अपने पेमेंट के पेज पे जा जाते हैं, ठीक है। तो तीन स्टेजेस है, पहली है रजिस्ट्रेशन, फिर है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एक्चुअली ये भयंकर स्टेज है, लास्ट स्टेज फिर हमारी है हमारी यहाँ पे फी पेमेंट वाली, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बेटा सारी डिटेल्स भर दी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का थोड़ा काम देने सर, एक सेकेंड बेटा आवाज आ रही है जरा चैटबॉक्स में बता दो, एवरीथिंग इज ऑल सेट, आर यू गाइज आर एबल टू लिसन मी केयरफुली, देख पा रहे हो सुन पा रहे हो, फटाफट बताओ भाई, है ना, ऑल इज सेट, ऑल इज सेट, ऑल इज सेट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारी ये डिटेल्स बेटा दिखेंगी, लास्ट फाइनल सबमिशन, मैंने फाइनल सबमिशन भी कर दी है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर अब आपको करना है, मैं आपको बताता हूँ एक एक में क्या क्या दिखेगा, और यहाँ पे बहुत ध्यान से बच्चों सुनना, बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जहां पे बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो ध्यान से मेरे बच्चों यहाँ पे सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहली चीज बेटा जिसका आपको ध्यान रखना है वो है ये वाली, वो है ये वाली, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल पे मैं अभी क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं क्लिक करूंगा तो जो मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग मैं डेफिनेटली फिर आप तंग करोगे मुझे बहुत ज्यादा, तो आप लोग अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल क्लिक करके देख लेना, वो फील्ड ही होगी बट स्टिल एक बार खुद देख लेना, तुम्हारा ही है, सब बढ़िया सेटल है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं की, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आप चाहते हैं मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं कैसा दिखेगा आपको, आइए आपका कॉन्टैक्ट डिटेल जब आप अपना भरोगे तो कैसा दिखेगा, मैं आपको वो इसका एक डमी दिखा देता हूं, डेफिनेटली वहां पे मैंने ब्लॉक किया होगा, ठीक है जी, ओके। तो ये हमारा हमने लॉगिन किया, अच्छा हाँ ये चलो ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे आ गया, देखो यार, तो देखो यार ये देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जब तुम्हारे केस में तुम्हें ऐसा दिखेगा, तुम्हारे केस में ऐसे इनकम्प्लीट दिखेगा तुम्हें, ठीक है, यहाँ भी इनकम्प्लीट दिखेगा, और ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और जैसे तुम देखो आगे जाओगे, अब देखो तुम इसमें भरोगे तो जैसे तुम आगे जाओगे कॉन्टैक्ट डिटेल देख लेना, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसा पेज दिखेगा, तुम्हारा नाम हो गया, तुम्हारा पता हो गया है ना, तुम्हारी लोकेलिटी हो गई, जो भी देश है, मोबाइल नंबर यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे दिख रहे होंगे, तुम्हारा नंबर, तुम्हारा ऑल्टरनेट नंबर है ना, और तुम्हारा पिन कोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे सामने आ रही होगी, ठीक है ना। मैंने यहाँ ब्लॉक की है बट डेफिनेटली मैं आपको दिखा नहीं सकता, ये तो आप फिर है ना जैसे मैंने बोला तंग करोगे, तो ऐसा माहौल बेटा आपको यहाँ पे आगे दिखने वाला है, ठीक है मेरे बच्चों। अब यार क्या है इसके आगे, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, अब मैं आपको वहां पे लेके चलता हूँ, अब मैं आपको मेरे बच्चों वहां पे लेके जाता हूँ। बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाले टाइम में भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे इस चैनल पे। अकेडमिक जिम्मेदारी तो वेदांतु की ये टीम लेती लेती है, नॉन अकेडमिक भी प्रिपरेशन बेटा बहुत सारी चाहिए होती है आप लोगों को, क्योंकि आगे एक लंबी जर्नी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो सब्सक्राइब जरूर रहें, ताकि ये कॉन्टेंट हम आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे देते रहे। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना थोड़ा, और वहां पे आप लोगों को पीडीएफ और स्टफ हम प्रोवाइड करते रहते हैं। यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब रहें, टेलीग्राम पे भी आ जाएं, ठीक है जी। अब आ जाओ यार, अब मैं वापस आता हूँ, कहाँ गए, आ जाओ यार, आजा भैया कहाँ थे, हाँ तो ये हम वेबसाइट पे वापस आ गए मेरे बच्चों, अपन इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है जी। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसी दिखेंगी मैंने आपको बता दिया,
अपन सीधा यहां पे आते हैं बच्चों पर्सनल डिटेल्स में, ठीक है जी। तो यहां पे अब कह रहा है ओके, अच्छा ओहो गाइस ये आई गेस थोड़ा सा हम यहां पे गड़बड़ हो गई। अब पर्सनल डिटेल्स कैसी दिखेंगी, एक सेकंड दीजिए यहां पे। ओके ओहो हो तो बेटा पर्सनल डिटेल्स आई गेस क्योंकि हम सबमिट कर चुके हैं आई गेस, तो ही इज नॉट अलाउंग मी टू गो बैक। थोड़ा सा कोई बात नहीं, मेरे पास स्निप्स भी हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूं, आप उस स्निप्स के थ्रू इसको देखिएगा। अच्छा जी तो ये नहीं दिखाएगा, अभी नहीं मानेगा, चलो कोई टेंशन नहीं है। और यार आजा यार, मेरा मन था मैं आपको वेबसाइट के थ्रू जाके दिखाऊं, ये नहीं मान रहा, लो गया यार, ये तो लो गया ना बच्चों। आ जाओ कोई बात नहीं, अपन आपको उसके थ्रू दिखा देते हैं, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, गिव मी वन सेकेंड, एक सेकेंड भैया एक सेकेंड, ठीक है जी। तो यार एक सेकेंड दीजिए बच्चों, अपन अभी निकालते हैं ये, एक सेकेंड दीजिए, एक सेकेंड दीजिए, यहां से अपन निकाल लेते हैं। हाँ जी आइए, ठीक है जी। तो हम यहां तक बेटा आगे थे, ठीक है, मैं एक बार दोबारा ट्राई कर लेता हूं अगर ये हमें वेबसाइट पे अलाउ कर रहा है, लेट मी सी इफ ही इज अलाउइंग इट। अपन एक बार होम पेज पे जाते हैं बेटा, एम आई क्लियरली ऑडिबल विजिबल, जल्दी बताओ, देखने तो दे यार, देखने नहीं दे रहा, ओके नहीं देखने दे रहा, ओके ये नहीं देखने देगा बेटा, ठीक है यार। तो अपन एक काम करते हैं बच्चों, आपके सामने आपको प्रॉपर जो है हमारा है ना, मैं लेके जाता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट उस प्रोसीजर में। तो यार देखो यार बड़ा सीधा सा हमारा है, हाँ ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। अब देखो ये हमने बेटा यहाँ पे लॉग इन कर लिया, ठीक है, अब देखो जरा मेरे भाई, आ जाओ मैं आपको यहां से दिखाता हूँ, स्निप्स भी है अपने पास बेटा सारी, आइए जरा। तो यार अब इसमें एक एक बात का जो हमें ध्यान रखना है वो मैं आपके सामने बेटा यहाँ पे रखने वाला हूँ, आप लोग यहाँ पे देखें। अब देखो यार जैसे ही बेटा तुम लोग यहाँ पे आओगे, ठीक है, जैसे ही तुम यहाँ पे आओगे, एक सेकंड दीजिए बच्चों, एक सेकंड बच्चों, गिव मी वन सेकंड, आई वॉन्टेड मैं तुम्हें वेबसाइट पे दिखाऊं, मुझे एक मिनट दे दो, लेट मी सी, अगर मेरे पास एक और रजिस्ट्रेशन नंबर हमने बनाया था तो अगर मुझे वो मिल जाए तो नथिंग, ठीक है, एक सेकंड दो, अपने नए रजिस्ट्रेशन नंबर से जाते हैं, गिव मी वन सेकंड, वेट वेट फिर कर ही लेंगे है ना, वेट फॉर वन सेकंड, जस्ट गिव मी वन सेकंड, एक मिनट। गाइस हमारे पास एक रिजर्व एप्लीकेशन नंबर भी पड़ा हुआ है, जस्ट एक मिनट दीजिए बच्चों, मैं आपको वेबसाइट पे जाके सारी दिखाना चाहता हूँ डिटेल्स, बिकॉज वो ज्यादा बेटर फिर आप लोग फील कर पाएंगे, एक मिनट दीजिए, अभी के अभी हम वेबसाइट पे लिख दो जरा विनय सर ओपी चैट बॉक्स में, देखो है ना आपके लिए पूरा माहौल बनाया हुआ, लिखो विनय सर ओपी, लिख दो फटाफट चैट बॉक्स में विनय सर ओपी, लिख दो यार, आज तो बनता है यार, देखो विनय सर कितना आज माहौल बना के लाए हैं। तो मैंने मेरा फाइनल सबमिट कर दिया है ज्यादा चतुर बन के, ठीक है, तो बट इतना भी चतुर नहीं बनना चाहिए, लास्ट टाइम मुझे रुकना चाहिए था, तो चलो ठीक है। तो मतलब ये भी अब आपके सामने एक प्रूफ हो गया कि अगर आप फाइनल पूरा सबमिट कर देंगे, फाइनल स्टेज पे चले जाएंगे, ये भी आपके सामने एक लेसन है, तो आप वापस नहीं आ सकते बच्चों, उस केस में फिर आप लोगों को रिवर्स करना पड़ेगा उस केस में, समझ रहे हो, तो फिर आप फाइनल वापस नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए फाइनल सबमिट करने से पहले दोबारा एक बार अच्छी तरह से अपनी सारी चीजों को देख लेना, ठीक है। आई हैव द स्निप्स ऑल्सो बट आई वॉन्टेड कि मैं आपको वेबसाइट के थ्रू बताऊं, ज्यादा बेटर उसमें फीलिंग आती है, एज आई प्रॉमिस टू मेनी स्टूडेंट्स कि मैं आपके सामने उसमें आऊंगा, ठीक है। तो एक मिनट दीजिए बच्चों, एक और एप्लीकेशन नंबर मिला है हमें, लेट मी सी इफ आई कैन फिल इट,
मैं बेटा पासवर्ड बोलने लगा था, देखो विनय सर कितने भोलू इंसान है। बेटा आवाज आ रही है ना, चैट बॉक्स में लिख दो एक बार, सब बढ़िया ना। ओके तो ये शायर है ना। यस सर। ओके एक मिनट बच्चों, एक सेकंड, मैं एक मिनट बेटा देख लो मैंने कुछ गलत तो नहीं मिस्टेक कर दी। एक बार दोबारा डाल देते हैं। देखो ये है अपना 2403 1 4 0 4 9 6 पासवर्ड। मैं एक सेकंड बेटा म्यूट करता हूं। लिख दो जय माता दी बेटा, क्या बात है, मजा आ गया भाई। तो गाइस आपके लिए स्पेशल एक और रजिस्ट्रेशन नंबर से मैंने लॉगिन किया है जिसमें मैंने पूरी डिटेल सबमिट नहीं की है, ठीक है। तो थैंक्स टू निखिल सर, ठीक है, इन्होंने हमारे लिए एक और बैकअप भी बना रखा था तो वो बैकअप हमारा काम आ गया। तो यार देखो यार बिल्कुल, अब बेटा आपको वेबसाइट के थ्रू भर के दिखाते हैं, बल्ले बल्ले चैट बॉक्स अंदर कर दो। थैंक यू फॉर द पेशेंस, इन भी बच्चों ने भी ध्यान दिया। तो बेटा वापस आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया जब आप अंदर आओगे रजिस्ट्रेशन पे आपको टिक लगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको इनकम्प्लीट, फी पेमेंट पे आपको इनकम्प्लीट दिखेगा, ठीक है मेरे भाई। अब जैसे ही मेरे भाई आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में आएंगे, मैं आपको ये, मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको अपन फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फुल स्क्रीन हो गया, तो एप्लीकेशन पे जैसे ही बेटा आओगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर आप लोगों की पर्सनल डिटेल्स होंगी, ये ऑलरेडी फिल्ड होंगी, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी है ना, आप लोगों का बाकी सारा जो है डेटा उसके अंदर आपका दिख रहा होगा। बेटा आवाज आ रही है ना, जल्दी बता दो एक बार, है ना। तो सारा डेटा आप लोगों का उसके अंदर बेसिकली दिख रहा होगा, तो उसको आप एक बार वेरीफाई कर लेना, वो ऑलरेडी फिल्ड होगा। आपका जो काम स्टार्ट होता है बेटा वो होता है पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। तो अब पर्सनल डिटेल्स पे बेटा जाते हैं, तो जैसे हम पर्सनल डिटेल्स पे टिक करेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो मेरे भाई जैसे तुम लोग पर्सनल डिटेल्स पे टिक करोगे, तुम्हारे सामने ऐसे आएगा कैंडिडेट का नाम, जो भी तुम्हारा खुद का नाम है, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भर देना। मैं फिर बेटा आपको एक बात बता दूं, आपका जो यहाँ पे नाम होना चाहिए वो आपका मैच करना चाहिए आपकी 10th की मार्कशीट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपके ऐसे फादर का नेम आएगा, तो फादर का भी जो नेम आपको बेटा भरना है वो आपका मैच करना चाहिए आपकी 10th की मार्कशीट के साथ, ठीक है जी। फिर ऐसे आप लोगों का यहाँ पे मदर्स का जो नेम है, देखो मैंने, हमने तो यहाँ पे डमी भरा हुआ है ना, YDS, तो आपका जो भी होगा आप अपना भर देना। और ऐसे ही आगे आप आते जाएंगे, जेंडर मेल, जो भी आपका आइडेंटिटी टाइप है, तो आइडेंटिटी टाइप मेरे बच्चों जैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं कोई एक एनी, अच्छा देखो यहाँ पे पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड है ना, इलेक्शन कार्ड, अगर तुम अपनी आइडेंटिटी को आधार कार्ड से दिखाना चाहते हो तब भी कोई टेंशन नहीं है, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ अपनी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सारी तुम्हारे पास ऑप्शन है, जो भी है तुम्हें रख लो। मैं वैसे बेटा एक सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, है ना तो जैसे मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि इस बात को आप अपना दिमाग में रखना कि जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपना, वैसे सजेस्ट करूंगा कि अपना ना मोबाइल, अपना बैंक अकाउंट नंबर भी खुलवा लो, आपको इसकी जरूरत कॉलेज के अंदर भी पड़ने वाली है, ठीक है। चलो अभी तो खैर बैंक आईडी के बिना हो जाएगा, लेकिन इसको वैसे भी खुलवा लो, फ्यूचर में ये बहुत काम आपके आने वाला है।
अच्छा, इसके बाद बेटा आपकी जो यहाँ पे स्टेट है, अपनी स्टेट यहाँ पे भर देनी है, ठीक है जी। तो ये कुछ यहाँ पे, अच्छा हाँ एक और बात बताऊं, जो भी तुम अपनी आईडी भरोगे उस आईडी का यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फादर का जो भी आपका आपका जो आइडेंटिटी नंबर है ना, जिस भी आइडेंटिटी को आपने बेटा यहाँ पे रखा है, तो उसका यहाँ पे आपको नंबर भी डालना पड़ेगा। तो मान लो ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, जो भी आपको डालना चाहे। तो मैंने कुछ यहाँ पे रैंडम भर दिया है आप लोगों के लिए। तो अब यार ठीक है जी, अब नेशनैलिटी आप लोगों की इंडियन है, स्टेट तुम्हारी जो भी है तुम भर दो, ठीक है जी। यहाँ पे सब ड्रॉप डाउन आपको दिखेगा, जो जो भी स्टेट में, मान लो हरियाणा भरना है हरियाणा भर दो, जो आपको अच्छा लगे। अब इसके बाद बेटा यहाँ पे कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पे अब एक मिनट में रुकूंगा, ठीक है। मैं इसीलिए लाइव वेबसाइट पे आपको भराना चाहता था ताकि आप लोगों को पूरा मैं लाइव फीडबैक दे पाऊं। अब जैसे तुम बेटा कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे, ड्रॉप डाउन के अंदर आपको दिखेगा जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी बच्चों, ठीक है जी। ये सारा आपको दिखेगा। अब ध्यान से सुनना, अगर तो तुम जनरल कैटेगरी हो तो जनरल सिलेक्ट कर लो। जब जनरल कैटेगरी का बच्चा जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करेगा, तो लास्ट स्टेज जिसमें आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हो, उस स्टेज के अंदर बेटा आप लोगों के, याद रखिएगा, उस लास्ट स्टेज के अंदर जब अपने डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करते हो, उस लास्ट स्टेज के अंदर आपसे सिर्फ दो डॉक्यूमेंट पूछे जाएंगे, आपका एक तो इमेज जो आपकी पिक है, ठीक है, और पिक व्हाइट बैकग्राउंड पे खिंचवाना। और मैंने कल डॉक्यूमेंट्स का सेशन भी किया, एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस पिक की क्या है मैंने उसके अंदर बताई है। उस वीडियो को अगर किसी ने नहीं देखा तो देख लेना, मैं उस वीडियो का लिंक भी डॉक्यूमेंट्स का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। और साथ ही साथ मेरे बच्चों उसके अंदर आपके सिग्नेचर भी पूछे जाते हैं, तो सिग्नेचर भी व्हाइट बैकग्राउंड पे होने चाहिए। तो ये मैंने कई बार देखा है, कुछ बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट नहीं थी। तो ये दिमाग में रखना और डिफाइंड साइज के अंदर उसको रखना है। तो जनरल कैटेगरी को सिर्फ दो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, जो हमारा कोई कैटेगरी का बच्चा है उसको फिर तीन डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, तीसरा अपनी कैटेगरी का। अब जो तो एससी एसटी के कैटेगरी के बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए बहुत सिंपल है, जो तुम्हारे पुराने डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे कैटेगरी के बने हुए हैं, तुम्हारे माता पिता के जमाने के, जो तुमने उन्हें बना के दिए हैं, वो सेम डॉक्यूमेंट आपके चल जाते हैं। बिकॉज ये दो कैटेगरीज कभी हर साल रिफाइंड नहीं होती, ये पुरानी चलती आ रही है, एससी और एसटी कैटेगरीज। ये जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, इन कैटेगरीज के लेटेस्ट सर्टिफिकेट तुम्हें सबमिट करने पड़ेंगे अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स। उसका रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज ये कैटेगरीज हर साल मॉडिफाई होती हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस, हो सकता है कोई बच्चा, किसी के पिताजी पिछले साल उतनी अर्निंग नहीं कर रहे थे, इस साल हो सकता है उनकी इनकम बढ़ गई हो, तो उन्हें लेटेस्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना है अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स। और इनफैक्ट मैं तुम्हें बताऊं, जब तुम अगले साल एडमिशन भी लोगे जोसा काउंसलिंग के बाद, तो तुम्हें फिर जोसा के अंदर, क्योंकि वो फिर थोड़ी लेट होती है काउंसलिंग, 2024 ऑनवर्ड्स फिर दोबारा फ्रेश सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो अभी भी तुम्हें ये फ्रेश सर्टिफिकेट बनवा लो, बन जाता है आराम से, किसी वकील को बोल दो, तहसीलदार चले जाओ, बना देंगे तुम्हारा, ठीक है जी। और ये सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस के और ओबीसी एनसीएल के, है ना, तुम्हें बनाने पड़ेंगे फ्रेश वाले अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स बच्चों। और साथ ही साथ एक और बात बताऊं, ओबीसी के अंदर भी दो तरह की लिस्ट होती है, ओबीसी की एक होती है नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की दो लिस्ट होती है, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है सेंट्रल लिस्ट। तुम्हारा नाम सेंट्रल लिस्ट की कैटेगरी में आना चाहिए, ठीक है। अब ये तुम्हें सब पता होना चाहिए, सेंट्रल लिस्ट के अंदर आते हो तभी उसे कर पाओगे। बस ये मेरे तरफ से छोटा सा बेटा था, मैं मैक्सिमम बच्चे जनरल कैटेगरी के होते हैं, मैं जनरल भर देता हूं, ठीक है जी। अब यहाँ पे तुम्हारा कोई फिजिकली डिसेबल्ड तो नहीं हो, यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर देना, है ना, डेफिनेटली नो हो, अगर हो तो वो परसेंटेज डिसेबिलिटी जो है भरी होगी। डायबिटिक तो नहीं हो, तो अभी कहां से डायबिटिक हो गए, है ना, तो ये यस नो वाली चीजें हैं सारी, है ना, नो भर दो यहाँ पे। फिर उसके बाद कहां पे तुम रहते हो, रूरल में अर्बन में, तो रूरल में रहते हो रूरल भर दो, अर्बन में रहते हो अर्बन भर दो, ठीक है। फैमिली इनकम कितनी है, अब देखो एनुअल फैमिली इनकम जितनी है बेटा, सच भरना, कोई ऐसे जबरदस्ती ज्यादा कम करने की जरूरत नहीं है, जो है जो भर दो, 5 लाख है 5 लाख भर दो, 5 करोड़ है 5 करोड़, जो है सत्य वाली जो है उसको अपना भर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ये मत सोचना कि भैया रेट पड़ जाएगी, जो है ट्रू वैल्यूज अपनी भरा करो। वैसे भी लाइफ के अंदर बेटा ये बात आगे भी फ्यूचर में याद रखो, जितना हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं उतना ज्यादा हमारी लाइफ हल्की रहती है। तो ये जिंदगी में सबसे अमीर इंसान वही है जो मेंटली रिलैक्स्ड है, समझ रहे हो, तो वो बनने की जीवन में प्रयास करें। फिर उसके बाद बेटा, इसके बाद आपको स्कूल मीडियम कौन सी कोचिंग में है, जैसे यहाँ पे ये हमारे निखिल सर हैं, तो इन्होंने कोंकणी में पढ़ा होगा, तो इन्होंने कोंकणी सिलेक्ट किया हुआ है। तुम हिंदी इंग्लिश जो भी हो, है ना, हिंदी मीडियम है हिंदी भर दो, तो इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश मीडियम भर दो, जो भी तुम्हें ठीक लगे अपना भर दो अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। इंग्लिश है तो लो, मुझे इंग्लिश सिलेक्ट, इंग्लिश भर दिया। अब यहाँ पे फिर आपका बेटा एक सिक्योरिटी पिन आएगा, सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डाल देना है, डाल के बेटा सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोगों ने आगे बढ़ जाना है, ठीक है जी। तो ये आपका बेटा है पूरा आपका पर्सनल डिटेल्स का, हर जगह आपको सिक्योरिटी पिन पूछा जाएगा, थोड़ा इरिटेटिंग है बट भरना पड़ेगा। इसके बाद बेटा आप जाएंगे एग्जाम सेंटर डिटेल्स पे, अब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम तुमने कौन कौन सा देना है, कौन कौन से पेपर देना चाहते हो। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर मीडियम,
तो सबसे पहले पेपर मीडियम आपका इंग्लिश का होना चाहिए, उसके बाद बेटा किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, बी प्लानिंग, बी आर्किटेक्चर, बी बीटेक। तो मैक्सिमम बच्चे तुम जो हो इस चैनल पे वो बी बीटेक वाले हो, तो तुम्हें ये वाला अपना जो है इसको सिलेक्ट कर लेना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, यहां पे तुम्हें इस साइड पे पूछा जाएगा किस सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सेशन वन या सेशन वन एंड टू। तो 99% बच्चे सेशन वन एंड टू यहां पे टिक करेंगे, ठीक है ना, मुझे पता है ये बात। तो आपको इस बार बड़ी अच्छी ऑप्शन दी है, लास्ट ईयर ये नहीं थी। लास्ट ईयर बच्चों से पूछा गया था कि सेशन वन में आना चाहते हो तो सेशन वन टिक कर दो, अगर सेशन टू में आना चाहते हो फिर अभी रजिस्टर मत करो, फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन हमारी स्टार्ट होगी और फिर तब तुम अपना रजिस्ट्रेशन भरना। और दोबारा रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगी सेशन टू की, वो होगी हमारी 2 फेब से आपकी 2 मार्च तक, है ना, ये डेट इन्होंने दी हुई है। बेसिकली फेब का महीना आपका रहेगा, जैसे आप लोगों को पूरा नवंबर का महीना मिला है रजिस्ट्रेशन के लिए, ऐसे पूरा फेब का महीना दोबारा मिलेगा 2nd, जो बच्चे सीधा 2nd में जाना चाहते हैं। तो बेटा सेशन मेरे, मैं तो सजेस्ट करूंगा यहाँ पे सेशन वन एंड सेशन टू आप अभी एक साथ भर के निपटाओ यार, बार बार फिर क्यों ये मतलब मुखौल करने। तो सेशन वन और सेशन टू दोनों की पेमेंट एक साथ भरो, है ना, और इसके अंदर फिर ये है कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो 1000 रुपए मेल का था तो 2000 रुपए हो जाएगा, और फीमेल का 800 रुपए था तो 2 सेशन की फीस लगेगी, उनका 1600 रुपए लग जाएगा। अगर मन है कि सिर्फ एक ही सेशन देना है तो सेशन वन टिक कर दो, सेशन टू पे फिर दोबारा भी रजिस्टर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और जो बच्चे चाहते हैं सीधा सेशन टू के अंदर ही जाना, फिर वो वेट करें, फिर वो फेब के अंदर अपना भर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट यार ये भर दो, साथ के साथ ही निपटाओ काम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन अगर आप देखें, है ना, जो भी है बिजनेस है, जो भी ऑक्यूपेशन पिताजी करते हैं, पिताजी की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट भर दो, ये ड्रॉप डाउन आते जाएंगे यहाँ पे भरते जाना, है ना। ऐसे आपके मदर्स क्या करते हैं, है ना, मदर भी आपकी लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट यहाँ पे भर दिया। और फिर यहाँ पे आपका एग्जाम स्टेट की चॉइस पूछी गई, अब जरा ध्यान से सुनना, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एग्जाम स्टेट की चॉइस पूछी गई है। तो यहाँ पे जैसे ही मेरे बच्चों तुम पहली स्टेट भरते हो महाराष्ट्र, है ना, क्योंकि हमने हमारा एड्रेस डिटेल महाराष्ट्र भरा था पहले यहाँ पे, तो महाराष्ट्र आ गया। जो भी तुमने पहले अपना एड्रेस भरा होगा ना अपना रजिस्ट्रेशन के दौरान, तुम्हें उसके आसपास की 3-4 स्टेट्स दिखाएगा। तो मान लो मैंने महाराष्ट्र भरा है तो मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया, तो पहला एग्जामिनेशन सेंटर मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन में महाराष्ट्र के सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। तुम कहाँ जाना चाहते हो भैया, तुम जाना चाहते हो कहाँ पे, लातूर, चलो लातूर, जहाँ पानी नहीं है वहां चलते, चलो, है ना, मेरे ख्याल से यहाँ पानी की शायद पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, है ना। अच्छा, अब दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें दूसरी स्टेट सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे तो चलो ड्रॉप डाउन में सिर्फ महाराष्ट्र ही आ रही है, बिकॉज महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे सेंटर्स हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं। मैंने पंजाब भरा था तो मुझे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR सब दिखा रहा था, क्योंकि पंजाब के अंदर इतने सेंटर्स नहीं है, है ना, मतलब जितने महाराष्ट्र, तो बहुत बड़ा हो गया, तो इसलिए महाराष्ट्र के अलावा यहाँ कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा। तुम्हें अपने अगल बगल की स्टेट्स भी दिख रही होंगी। अब ये जरूरी नहीं है कि तुमने पहला सेंटर तुम्हारी स्टेट का भरा है तो दूसरा तुम्हें दूसरी स्टेट का भरना है, ऐसा नहीं है। तुम दोबारा खुद की, यहां तो है ही महाराष्ट्र, तुम खुद की स्टेट सेलेक्ट करो और फिर तुम अपनी स्टेट में जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में पास पड़ती है कि सर मुझे गोंडिया पास पड़ता है, है ना, है ना, और आ जाओ, हाँ मुझे अकोला पास पड़ता है, मैंने अकोला पढ़ दिया, ऐसे ही तीसरी स्टेट, तुम सेम स्टेट के 4 सेंटर भर सकते हो। और इस बार मैं आपको गुड न्यूज बता देता हूँ, गुड न्यूज, फिर ये घटिया सिक्योरिटी पिन आएगा, यहाँ पे डाल देना, डाल के अपना आगे सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना। अच्छा, आपको एक और बात बताता हूँ बेटा, यहाँ पे क्या कहते हैं, इस बार अच्छी बात ये है कि उन्होंने, ये पहले भी मैंने इस चैनल पे ये अपडेट वीडियो की थी, ये उन्होंने क्लियर कट बताया था कि इस साल हम लोग मेक श्योर करेंगे बच्चों के एग्जामिनेशन सेंटर उनके घर के पास मिले, ताकि बच्चों को स्ट्रेस ना हो, क्योंकि आमतौर पर जब दूर होता है तो हम भी सजेस्ट करते हैं सुबह पेपर है तो एक दिन पहले पेरेंट्स के साथ होटल में चले जाओ, फिर वहां पे भी स्ट्रेस तो होता है ना, आप अपने घर के अंदर नहीं हो, बाहर हो, सोचते रहते हो, तो वो सारी चीजें अवॉइड करने के लिए, मेंटल साइकोलॉजी को हैंडल करने के लिए, वो आपको एड्रेस 99% आपके घर के पास कर दे देंगे, ठीक है जी। एग्जाम सेंटर भर गया, अब बेटा अब ध्यान से सुनना, गलती यहाँ पे होनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत क्रिटिकल है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को चाहिए होगी जो आपको कंफ्यूजिंग लगेगी, मैं एक एक पॉइंट बहुत क्लियरली आपको बताऊंगा, ठीक है जी, बता रहा हूं ना, उसके लिए लाइक जरूर कर दें, लाइक सब्सक्राइब, ठीक है जी। आज सबसे पहले बच्चों 10th का यहां पे पूछा गया है क्वालिफिकेशन में, तुम 10th तो देखो हर बच्चे की है, चाहे ड्रॉपर है, चाहे 12th है, 10th तो सब पास आउट कर ही चुके हैं ना, तो यहां पे बेसिकली वही है, जो भी तुमने परीक्षा क्वालिफाई की है तो यहां पे 10th इक्विवेलेंट आएगा, तो 10th भर देना। स्टेटस तुम्हारा यहां पे डेफिनेटली पास भी आएगा, 10th के अंदर तो ऑप्शन ही नहीं है, 12th के अंदर ऑप्शन आएगा पास और अपीयरिंग का, तो यहां पे तो पास ही आएगा, पास भर देना। कौन से साल पास हुए, साल यहाँ पे भर देने। स्कूलिंग किस, जब स्कूल किया तो अर्बन था, रूरल था, रूरल था, रूरल भर देने, ठीक है जी। जो भी तुम्हारा स्कूल था, यहाँ पे सर ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, मैं प्राइवेट में पढ़ा था तो मैंने प्राइवेट सिलेक्ट कर लिया था, प्राइवेट अनएडिड जो है सच भरना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन स्टेट, मतलब ये स्कूल किस स्टेट में आती थी, तो यहाँ सर ने महाराष्ट्र भरा है, मैं ठीक है पंजाब भरना है, पंजाब भर दो यार, पंजाब नहीं आया यार बेटा, पंजाब भरते हैं यार, पंजाब लेके आओ यार, ऐसे नहीं है ना, पंजाब भरती है ना, पंजाब अपना अच्छा लगता है।
ठीक है जी, तो वैसे ये गलत हो गया, वैसे मुझे बेटर है महाराष्ट्र, मुझे पंगे नहीं लेने चाहिए, नहीं तो फिर वो पिन कोड भी आगे वैसे ही है ना चेंज होंगे, विनय सर भी ना स्वाद ज्यादा लेते हैं, महाराष्ट्र वापस आ गए, ठीक है ना। हाँ, अभी सेशन कंडक्ट करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जिला क्या था हमारा, ठीक है, ये किस जगह पे तुमने मान लो धूली में गए थे, है ना, ये जो भी था तुम्हारा, है ना, अपना ये भर दो, जो भी तुम्हारा ये डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ पे आपका जो बोर्ड था, बोर्ड की वैल्यू यहाँ पे बेटा भर देनी है। अच्छा, बोर्ड में भी मैं आपको बेटा बता दूं, यहाँ पे तो महाराष्ट्र बोर्ड दिख रहे हैं, यहाँ पे ना मैक्सिमम बच्चे सीबीएसई के होते हैं, तो आपको एक और बात बता दूं, सीबीएसई में भी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। कहाँ गया है? आ जा। हाँ ठीक है, तो ये यहाँ पे सीबीएसई का भी तुम्हें बोर्ड दिख रहा होगा, तो अगर सीबीएसई बोर्ड है, क्योंकि मैंने स्टेट महाराष्ट्र सेलेक्ट की हुई है, तो शायद मुझे लग रहा है वहां दिख नहीं रहा इसीलिए, ठीक है, तो अपन उसको भी छेड़ते नहीं है। देखो, हाँ दिखा क्या, नहीं दिख रहा, चलो मिट्टी पाओ, फिर नहीं दिख रहा तो, हाँ यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हाँ ये दिख रहा है। देखो यहाँ पे ना सीबीएसई के भी दो दिखते हैं, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, एक इंटरनेशनल वाला, एक सीबीएसई बोर्ड वाला, ठीक है, तो तुम्हारा जो नॉर्मल सीबीएसई है तो वो भरना फिर, है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो नॉर्मल वाला है, एक इंटरनेशनल वाला दिखेगा तो जबरदस्ती नहीं की भैया, जो है नॉर्मल वाला सीबीएसई वो अपना भर देना, चलो ये तुम समझदार हो। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बता दूं, आपसे यहाँ पे इसके आगे पूछा जाएगा आपका स्कूल का एड्रेस क्या है, तो जो भी एग्जैक्ट एड्रेस था उस एड्रेस को यहाँ पे हमने डमी वैल्यू भरी हुई है, आप अपना भर देना। फिर उसके बाद मेरे बच्चों आपसे पूछा जाएगा, हाँ आपका पूछा गया है यहाँ पे, कॉलेज नेम शुड बी एज पर दी 10th मार्कशीट, आपके स्कूल का जो नाम 10th की मार्कशीट पे पब्लिश्ड है, किस स्कूल से 10th की है, वो यहाँ पे बेटा आप लोगों को अपना भरना है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा रोल नंबर, तो 10th की मार्कशीट का रोल नंबर इंपॉर्टेंट है बच्चों, 10th की मार्कशीट का रोल नंबर आपको यहाँ पे भरना है, रोल नंबर अपनी मार्कशीट खोल के जो लिखा हुआ है वो भरना, हल्का सा भी कहीं कॉलेज के अंदर जाके भी बेटा वो मिसमैच आ गया, दिक्कत हो जाती है। और इसी के साथ अब इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, आपसे यहां पे पूछा जाएगा रिजल्ट मोड आपका क्या था, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट था वो आपको सीजीपीए में दे रहा था या परसेंटेज में दे रहा था आपके मार्क्स, तो आपको वो मिल रहे थे आपकी परसेंटेज के अंदर, मैक्सिमम बच्चों को परसेंटेज में मिलते हैं, कुछ स्कूल्स के अंदर सीजीपीए सिस्टम होता है, वैसे सीजीपीए कॉलेजेस में ज्यादा होता है, तो 10th में तो अगर सीजीपीए तो सीजीपीए भर देना, कोई टेंशन नहीं है, तो परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेना। अब चल, अब टोटल कितने पेपर थे तुम्हारे, यूजुअली 6 पेपर होते हैं हमारे, कईयों के 5 होते हैं किसी बोर्ड में, अगर स्टेट बोर्ड की बात कीजिए तो सीबीएसई में तो 6 पेपर होते हैं, तो आपने 600 नंबर टोटल भर देने हैं। अब उन 600 नंबर में आपके कितने नंबर, आपकी मार्कशीट पे ना आपके सब्जेक्ट वाइज नंबर लिखे होते हैं, उन सभी नंबर्स को ऐड कर लो, ऐड करके वो टोटल वैल्यू यहां पे भर दो, जैसे तुम ये टोटल वैल्यू बेटा यहां पे भरोगे, ये परसेंटेज जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, तुम्हें भरने की जरूरत नहीं है, तुमने जैसे ही उसे भरा है ना, इतने मेरे टोटल नंबर आए, वो परसेंटेज तुम्हारी यहाँ पे भर गई। अब जरा ध्यान से सुनना, अब अगला पार्ट जो है यहाँ पे बहुत बच्चों को डाउट आने वाला है, मैं क्लियर कर देता हूं, यहाँ पहली ही ऑप्शन आपसे सिलेक्ट नहीं हो पाएगी, मुझे कौन सी ऑप्शन भरनी चाहिए। जो तो बच्चे 12th के अंदर हैं, अब दो तरह की यहाँ पे रूट्स आ रहे हैं, जो बच्चे 12th के अंदर हैं, या वो ड्रॉपर है या वो 12th अपीयरिंग है, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जब पहला क्वालिफाइंग एग्जाम आपका क्या है 12th के अंदर, इसके अंदर बेटा आप लोगों को ये सारा जब आप सिलेक्ट करोगे, आ जाओ है ना, जब आप ये सारा सिलेक्ट करोगे तो आपको ये बेटा ड्रॉप डाउन दिखेगा, ये आपको विनय सर ड्रॉप डाउन दिखेगा, देख रहे हैं मेरी इस बात को। अब इस ड्रॉप डाउन में बहुत सारी है ना, ये थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ऐसे और बड़ा करते हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम जब तुम करोगे तुम्हें बेटा ये ड्रॉप डाउन दिखेगा, ये ड्रॉप डाउन दिखेगा, ठीक है जी। अब इस ड्रॉप डाउन में तुम्हें बहुत सारी ऑप्शंस यहां पे सिलेक्ट करने को मिलेंगी, तुम कहां कहां से जा चुके हो, मेजोरिटी ऑफ बच्चे जो हैं, ये जो लास्ट ऑप्शन इसके अंदर आ रही है ना बेटा, तुम्हें ये वाली सिलेक्ट करनी है, ये जो लास्ट वाली है ना, कि तुम 12th किस में दे रहे हो, द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 12+2 सिस्टम है ना, द फाइनल एग्जामिनेशन, इसको पढ़ो जरा ध्यान से, आपके सामने जो लिखा हुआ है लास्ट वाली, ये जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी पड़ेगी तुम्हें मैक्सिमम बच्चों को, क्योंकि तुम वो बच्चे हो 10+2 सिस्टम में तुम पढ़ रहे हो, कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट बोर्ड, या तो तुम सीबीएसई बोर्ड में हो या तुम स्टेट बोर्ड के अंदर हो, है ना, सच एज सीबीएसई न्यू दिल्ली काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो मैक्सिमम बच्चों को जो ऑप्शन सिलेक्ट करनी है वो ये वाली करनी है, चाहे तुम स्टेट बोर्ड के हो चाहे तुम सेंट्रल बोर्ड के, ठीक है। बाकी छोटे मोटे और केसेस होते हैं 12th के, वो वाली इन्होंने यहां डाल रखे हैं, 99% बच्चे जो रहेंगे वो इसी लास्ट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। इसे बेटा हमने सिलेक्ट कर दिया, अब यहां पे देखो जैसे ही इसे सिलेक्ट करोगे यहां पे अब बोर्ड्स का, ड्रॉपर्स का और जो है बाकी बच्चों का नॉर्मल वालों का अलग अलग रूट एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों देखो, अगर तो तुम पास स्टेटस यहाँ पे 12th का भरते हो पास्ट,
है ना। अगर तो तुम पास स्टेटस यहाँ पे भरते हो पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि पास हो गए तुम, है ना। मतलब ये वो है जो ड्रॉपर है, तो ड्रॉपर बच्चे यहाँ पे पास भरेंगे, ध्यान से सुनना, ड्रॉपर बच्चे यहाँ पे पास भरेंगे और यहाँ पे जो बच्चे हैं हमारे जो इस साल ट्वेल्थ दे रहे हैं वो अपियरिंग भरेंगे। तो देखो अगर तुम पास भर देते हो तो तुम ड्रॉपर हो, तो फिर उस केस में वही ट्वेल्थ की मार्कशीट तुम्हारे पास होगी, उसका रोल नंबर, उसका पिन कोड। अच्छा एक और बात आपको मैं बताना भूल गया, आपसे बेटा पिन कोड भी पूछा जाता है ना। हाँ ये मैं बताना भूल गया, आपसे कॉलेज और स्कूल का पिन कोड भी पूछा जाता है। आपके कॉलेज का पिन कोड वही है जो आपका स्टेट का पिन, जो आपके रीजन का पिन कोड है। तो जिस जगह पे आपका स्कूल है उस इलाके का जो पिन कोड है उसी स्कूल का पिन कोड कहते हैं, कोई कॉलेज और स्कूल का अलग पिन कोड नहीं होता, उसी लोकेशन के पिन कोड को कहते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे पास्ट भरोगे तो तुमसे वही सारी डिटेल्स जो है, नंबर कितने आए, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी। अगर तुम अपियरिंग हो तो यहाँ पे अपियरिंग भर देना, अपियरिंग भर दोगे तो तुमसे तुम्हारा बेसिक स्कूल जहां से अपियर हो रहे हो, जैसे 2024 में पास आउट हो जाओगे तुम, अर्बन में हो, है ना, स्कूल का नेचर क्या है, गवर्नमेंट है, प्रोवाइडेड है, स्कूल की लोकेशन वगैरह पूछेगा आपसे, आपका रोल नंबर, आपके मार्क्स उस केस में नहीं पूछेगा, ठीक है ना। वो वाली जो ऑप्शंस हैं वो आपकी वहां पे ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएंगी बच्चों। अब ऐसे लास्ट में फिर आपका सिक्योरिटी भी आएगा। ये सारी डिटेल्स बच्चों दिमाग में रखिएगा, अपने हिसाब से आप अपना इसे भर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बाद बच्चों आप लोगों को आगे यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे पूछी जाएंगी। तो एडिशनल डिटेल्स में मैं आपको बता देता हूँ, आपसे पूछा जाएगा आप ट्विन है या नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एडिशनल एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप ट्विन है या नहीं है, तो आप नहीं है नो करके यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल के आगे भर जाना, सिंपल एक ही क्वेश्चन है। उनका पर्पज यह है कि यार तुम्हारा कहीं छोटा जुड़वा भाई बहन पेपर देने ना चला जाए, तो वो भी एक हमारा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ट्विन वाला पार्ट यहाँ पे भर देना है और फिर उसके बाद बेटा आप लोगों को यहाँ पे अपना एमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल भरना है। अब एमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल मैं यहाँ क्लिक करके दिखा नहीं सकता, बिकॉज डेफिनेटली फिर आपको हमारा वो एक नंबर पता लग जाएगा ऑफिशियली, है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये आपको कैसे दिखेगा। एमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आपसे ईमेल भी पूछी जाएगी और ये जो आपका बेटा होगा, है ना, ये जो हमारा होगा एमरजेंसी नंबर, ये हमने जो पहले अपने नंबर भरे हैं ना उनसे भी अलग, ठीक है जी। तो ये उनसे भी विनय सर अलग होगा, मतलब मैं आपको दिखाई देता हूं, आ जा भैया, है ना, ये हमारा कहाँ गया भैया, ये कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है जी, हाँ जी। तो ये हमारा इसके बाद आता है, हाँ, एमरजेंसी डिटेल। तो देखो बेटा ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो एमरजेंसी जब आप बेटा क्लिक करेंगे यहाँ पे एमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स में, तो आपसे आपका देश, आपका कंट्री कोड, आपसे मोबाइल नंबर। अब ये जो मोबाइल नंबर है आपका जो प्राइमरी मोबाइल नंबर है और आपका एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, ये उन दोनों के अलावा ये तीसरा मोबाइल नंबर है, ये भी घर का ही होना चाहिए, ठीक है, ये भी किसी और का मत देना, यहाँ पे भरना। फिर आपसे उसकी एक ईमेल आईडी भी पूछी जाएगी, ये ईमेल आईडी जो आपकी प्राइमरी ईमेल आईडी है उससे भी अलग होनी चाहिए। तो बेसिकली आपके घर में दो ईमेल आईडी चाहिए और तीन मोबाइल नंबर चाहिए, तब आपका ये फॉर्म पूरा सबमिट हो पाएगा। तो वो आईडी यहाँ भर देना, ये घर की ही होनी चाहिए, बाहर वाले की मत भरना। एंटर यहाँ पे आप वेरिफिकेशन कोड एंटर करोगे, आप आगे बढ़ जाना। अच्छा वो भी बड़ा फिर इसके आगे ना फैंसी काम है, इसके बाद जैसे आप अपना ये सबमिट करोगे ऐसे नहीं वो मान जाएगा, फिर मोबाइल पे भी ओटीपी आएगा, आपकी ईमेल आईडी पे भी ओटीपी आएगा। तो दोनों ओटीपी यहाँ पे फिल करके आई एग्री करके फिर आपने बच्चों अपना आगे भर जाना है, ठीक है जी। तो अब आप बोल सकते हैं कि आप नियरली कंप्लीशन स्टेज पे बच्चों पहुंच गए हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी एमरजेंसी डिटेल्स भी हमने भर दी है, ठीक है मेरे भाई। अब और हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है जी, ये हमने वो भी भर दी है। अब यार देखो असली बात मैं आपको यहाँ बताऊं, यहाँ पे फिर अब बेटा आपका है ना एमरजेंसी मैंने आपको बता दिया, तो अब हम यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। तो अपलोड डॉक्यूमेंट में मेरे भाई ये आप देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब जरा यहाँ पे भी जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, आपको अपनी एक जो इमेज है, अगर तो आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो मैं दो चीजें दिखेंगी, पहला फोटो, दूसरा सिग्नेचर, ठीक है, तो मैं दो चीजें यहाँ पे नजर आएंगी। तो अगर तो तुम जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो उस केस में तो तुम्हें दो ऑप्शंस दिखेंगी, फोटो और सिग्नेचर के। अगर तुमने कोई और कैटेगरी सिलेक्ट किया तो एक तीसरा तुम्हें और यहाँ पे दिखेगा, तुम्हारा कैटेगरी का डॉक्यूमेंट। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट तुम्हें डिफाइंड साइज में अपलोड करने हैं, इनकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा और उस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आएगा। और मैं क्लियर मोटी मोटी बात बता देता हूँ, आपकी जो फोटो होनी चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, हाथ से लिख के सिग्नेचर एक कॉपी पे करो और उन सिग्नेचर्स को भी, है ना, उन सिग्नेचर्स को भी हाथ से लिख के करो और उन सिग्नेचर्स को भी आप लोग अपना सिंपल डिफाइंड साइज के अंदर व्हाइट बैकग्राउंड में अपलोड कर दो, हाथ से लिख के सिग्नेचर करके यहाँ पे अपलोड कर दो। तो यहाँ पे वही चूज, ये ब्राउज आ जाएगा, आपका ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा, कहाँ से ब्राउज करना चाहते हैं, है ना, तो ब्राउज करके यहाँ पे अपलोड कर देना है ना, ब्राउज करके सिलेक्ट कर लो, अपलोड हो जाएगा, यहाँ भी अपलोड हो जाएगा और अपलोड होगी तुम्हें यहाँ पे इस साइड पे दिख भी जाएगा।
अच्छा एक और बात बताऊं, मैं जब कर रहा था अपलोड तो मुझे सिग्नेचर दिख गया था, फोटो नहीं दिखी थी, तो कोई टेंशन नहीं है, डरना मत। तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो तुम्हें दिख भी जाएगा जो तुमने अपलोड किया। हो सकता है यहाँ पे कई बार एरर आ जाता है, दिखता नहीं है, वो आगे दिख जाता है, फाइनल सबमिशन के अंदर आपकी फोटो दिख जाती है। ठीक है, तो दिख जाए दोनों अच्छी बात है, ना दिखे तब भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो ठीक है यार, ये हमारा है फाइनल आप लोगों का बेटा अपलोड डॉक्यूमेंट। अब अपलोड डॉक्यूमेंट के बाद बेटा जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो तुम्हें दिखेगा फाइनल सबमिट, देख रहे हो फाइनल सबमिट। अब मैं फाइनल सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करके नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज फाइनल सबमिट में फिर सारी डिटेल्स आपकी कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी है आपको दिखेंगी। अब वो फाइनल दिखता कैसे है, आइए मैं वो आपको स्लाइड्स में जाके दिखा देता हूँ। ठीक है, फाइनल अब हमारा बेटा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको यहाँ पे मोर और लेस बता दी है, शायद ही कुछ बचा है बेटा अब आप लोगों के लिए, आपको पूरा सुनिए जरा अभी, है ना। हाँ, कुछ यहाँ पे और भी बातें हैं। तो अब इसके बाद मेरे भाई फाइनल जब आप आएंगे, देख रहे हो यहाँ पे ये फाइनल सबमिट आपको दिख रहा है, तो फाइनल सबमिशन से पहले आपका ये लास्ट अब फाइनल रिव्यू है। अब ये आखिरी स्टेज है इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के, जब आपने फाइनल सबमिट कर दिया इसके बाद आप दोबारा कोई इंफॉर्मेशन पलट नहीं पाएंगे। तो यहां पे भी बेटा आधा घंटा अपने पेरेंट्स के साथ माता पिता के साथ बैठिएगा, समय इन्वेस्ट करके फिर अपना आगे बढ़िएगा। ठीक है, पूरा अच्छे से आप इसे देख लीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा आपका जो भी ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, सारी डिटेल्स दिख रही होंगी आप लोगों को। इसे स्क्रॉल करना, नीचे लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट, बहुत कुछ आपको सारी एंट्रीज मिलेंगी। और साथ ही साथ बेटा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, मतलब सारी चीजें देख के दोबारा फिर ऊपर आ जाना। ठीक है ना, दोबारा फिर ऊपर आ जाना, नीचे एक बटन भी होगा उसे ऊपर भी आ सकते हो। तो यहाँ पे फाइनली फिर क्लिक करना है, फाइनल सबमिशन से पहले आपके मोबाइल पे दोबारा एक ओटीपी आएगा कि भैया तुम ही इसे सबमिट कर रहे हो, फिर ये फाइनल लॉक हो जाएगा, फिर आपकी डिटेल चली जाएगी। तो यहाँ पे बेटा थोड़ा समय लगाना, और यहाँ पे तुम्हें अपनी फोटो भी दिखेगी, बहुत सारी डिटेल जो तुमने भरी है सारी अच्छे से अपनी दिखेंगी, है ना, जहां से हो, सेंटर की प्रेफरेंस, मतलब सारा डॉक्यूमेंट जो तुमने सबमिट किया है, तुम्हारा सिक्योरिटी क्वेश्चन, तुम ट्विन्स हो या नहीं, है ना, वो सारी एक एक डिटेल्स तुमसे, एमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर सब दिखाएगा। आखिरी में देखो यहाँ पे देखो तुम्हें दिख रही है विनय सर की फोटो, विनय सर के सिग्नेचर, ये सारा तुम्हें बेटा यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है जी, तो ये सब सेट है, फिर ऊपर जाके अपना वहां पे क्लिक करना है, आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा, और जब आप वहां पे वेरीफाई करोगे अपना ओटीपी डालने से पहले, तो ये पॉपअप बॉक्स आपका बेटा सामने आएगा, यहाँ पे ये सभी चेक बॉक्सेस होंगे, वो फिर आपसे पूछेगा भैया तसल्ली कर ले, सब ठीक है, अच्छे से तुमने देख लिया, कोई कमी पेशी तो नहीं है, तो यहाँ पे बेटा इनको सिलेक्ट करके 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 एग्री कर देना, एग्री करके फाइनल सबमिट कर देना है। अब आपका बेटा एप्लीकेशन फॉर्म पूरा सबमिट हो चुका है, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म हो चुका है। अब जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दोगे, आपके सामने बेटा यहाँ पे ये भी कंप्लीट आ जाएगा, ये भी कंप्लीट आ जाएगा, सिर्फ अब आपका फी पेमेंट वाला जो पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट आपका बचा है। अब फी पेमेंट में भी मैं आपको बताता हूँ, ये ना बच्चों को दिक्कत आ जाती है, जब आप ये है लास्ट स्टेज, ये जब आप फी पेमेंट करोगे तो वही मैंने आपको बता दिया, ये सारा डॉक्यूमेंट है, 1000 रुपए मेल के हैं, बट अगर आपने सेशन 1 सेशन 2 लिया है तो फिर 2000 रुपए लगेंगे, फीमेल के लिए ये 1600 रुपए हो जाएगा, क्योंकि एक सेशन का 800 रुपए है। ठीक है, बाकी को मैंने ये डॉक्यूमेंट यहाँ डाल दिया है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे ही आप बेटा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, पेमेंट में जाएंगे, तो एप्लीकेशन नंबर आपको अपना दिख रहा होगा, और ये मेरा यहाँ पे 2000 रुपए दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों सेशन लिख किए थे। पे नाउ पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे तुम पे नाउ पे जाओगे, इसके आगे तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड एसबीआई ई पे। ठीक है, अब बच्चों को लगता है कि शायद मेरे पास एचडीएफसी बैंक का कार्ड चाहिए मुझे, है ना, या मुझे आईसीआईसी का कार्ड चाहिए, ऐसी फीलिंग आ सकती है। ऐसा नहीं है, कोई भी डेबिट कार्ड चलेगा, ये आपके पेमेंट गेटवे है, तुम्हें एचडीएफसी के पेमेंट गेटवे पे जाना है, आईसीआईसी के पेमेंट गेटवे पे जाना है, वो तुम देख लो। तो आगे तुम पेमेंट के गेटवे पे जा रहे हो, वहां पे बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, तो आप जो भी सिलेक्ट करते हो, जैसे मैंने एचडीएफसी सिलेक्ट किया, तो ये तुम्हारा एचडीएफसी का आगे ये कार्ड आ जाएगा। ठीक है ना, एचडीएफसी का माहौल आ जाएगा, ऊपर टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, 15 मिनट के अंदर तुम्हें करना है, तो पहले से ही सारा वो अपना निकाल निकुल के रेडी रखना। ठीक है, तो अपना जो भी डेबिट कार्ड है, अब देखो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, अब यहाँ पे कोई नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, है ना, मान लो तुम्हारे पास कोई अदर बैंक, यहाँ पे अदर बैंक डेबिट कार्ड भी है, तो अदर बैंक डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी का ही चाहिए, बस मैं ये बताना चाहता था, डरना मत। ठीक है, जो भी कार्ड तुम्हारे घर के अंदर है लगा के पेमेंट कर दो, नेट बैंकिंग से करना चाहते हो नेट बैंकिंग से कर दो, जो भी तुम्हें आगे अच्छा लगता है। मैंने आई गेस नेट बैंकिंग ले ली, है ना, तो फिर ये फाइनल कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करके आप अपना आगे जा सकते हो। आई गेस वी आर डन यार, है ना, ये हमारा मोटा मोटा सारा यहाँ पे जो भी बैंक, आप बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यार ये हमारा बेटा पूरा सेशन था आप लोगों के लिए, चैनल पे इस वीडियो को बेटा अच्छे से अच्छे बेटा लाइक करें, शेयर करें, बहुत मेहनत के साथ, बहुत एक एक पॉइंट आपको डिस्कस करते हुए पूरा फॉर्म भरा है,
समय लीजिएगा, जल्दबाजी मत करना, बट लास्ट डे तक बच्चों वेट नहीं करनी। ऐसा नहीं करना कि आखिरी दिन कर रहे हैं, कई बार वेबसाइट क्रैश हो जाती है। कोशिश करें 4-5 दिन पहले अपनी एप्लीकेशन को अच्छे से सबमिट कर दे। अभी 2-4 दिन आराम से लगाओ, एक्सप्लोर करो, पूरी तसल्ली करो अपनी। ये मेरे तरफ से जो सारे पॉइंट्स है, आपको कोई और डाउट आता है कॉमेंट्स में लिख देना। बाकी आप लोगों को बेटा अच्छी तरह से अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है, ठीक है जी। अब इसके साथ बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे देखो सब्सक्राइब रहे, देखो इतने बच्चे देख रहे हैं, लगभग 600 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग मी एंड यू आर गाइज आर नॉट लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग दी वीडियो। तो सब्सक्राइब चैनल जरूर करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब रहें ताकि ये सारी वीडियोज आपकी मिलती रहे। इसके अलावा मेरे बच्चों देखो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड का सेशन भी मैंने डाल दिया, अगर आप देखना चाहते हैं इसे देख सकते हैं। आप हमारे वेदांतु का बेटा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्रैश कोर्सेज के लिंक्स भी बेटा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ड्रॉपर का अलग से लिंक है, 12th का अलग से लिंक है, तो बैच सेम है, ये नया बैच हमारा फ्रेश स्क्रैच से स्टार्ट होगा। आप इस बैच में हमें बेटा ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तैयारी कहां से करनी है कैसे करनी है, तो दिस इज गाइज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। तो इसको बेटा आप यहां पे जब अगर मतलब मैं बार बार ये बात बेटा बता रहा हूं, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा स्टार्टिंग कहां से करनी है, कंटेंट कौन सा सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज किसकी लेनी है, तो बेटा फिर इसके अंदर आ जाओ, इसे डिले मत करो। क्योंकि ना फिर सोचो मत, अब टाइम सिर्फ 2 महीने है, पानी सर पे आ गया। और मैं ट्रस्ट मी बेटा, अगर खुद से मैनेज नहीं हो रहा ना तो फिर ये ज्वाइन कर लो, क्योंकि ना अब टाइम नहीं है कि यार मतलब हम 1 महीने बाद सोचेंगे, ठीक है। तो 1 महीने बाद भी मिलेगा, तब रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी सिलेबस कवर करने के लिए, फिर 1 महीना ही बचेगा, तो टाइमली मोमेंटम के अंदर आ जाओगे। तो इसको अभी ज्वाइन कर लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर जो कर रहे हो करते रहो, फिर हम आपको तंग नहीं कर रहे, हम भी चाहते हैं प्रिपरेशन में आगे बढ़ो। अगर कंफ्यूज हो शुरू कहां से करें, ऐसे विचार आ रहे हैं सीखें कहां से, डाउट किससे पूछें, तो इस क्रैश कोर्स के अंदर आ जाओ। इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको सारा कोर्स स्क्रैच से 24 जनवरी से मच पहले खत्म करवा दिया जाएगा, जिसके अंदर पार्ट टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट होंगे, लाइव लेक्चर्स होंगे। टीचर्स ऐसे हैं जो आप लोगों को कई सालों से पढ़ा रहे हैं, 15-15, 16 जितनी तुम्हारी एज है उतना उनका एक्सपीरियंस है, सिंगल डिजिट रिजल्ट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हुए हैं। और ये सारे टीचर्स का अगर एक्सपीरियंस आखिरी के 2 महीने में बच्चों को मिल जाए, तो बेटा डेफिनेटली आप लोगों की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती ही होती है, कोई दो राय इसके अंदर नहीं है। तो इसके अंदर हम आप लोगों को लाइव लेक्चर्स देंगे, लेक्चर के अंदर आप अपने डाउट पूछ सकते हो, हमारा प्लेटफॉर्म बहुत इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, लेक्चर के अंदर क्विजेज होते हैं, साथ ही साथ बेटा लेक्चर के बाद डाउट ऐप का फीचर भी आपको मिलता है, जो कि बहुत प्रीमियम फीचर है, क्रैश कोर्स में आपको पहली बार दिया जा रहा है, ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो। डाउट ऐप के अंदर तो बेटा सिर्फ फोटो खींच के डाउट भेजना है, इमीडिएटली डाउट एड्रेस होगा किसी भी सब्जेक्ट का सुबह से लेकर रात तक, तो डाउट पूछने की हेडेक खत्म हो जाएगी। टेस्ट सीरीज आपको हमारी मिलेगी, जो कि नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर 10 पार्ट टेस्ट है, और उसके बाद भर भर के आपके फुल टेस्ट होंगे। ये सारी रिकॉर्डिंग्स आप तक रहेंगी पूरे जेई एडवांस तक, तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश आप जैसे ही नीचे आएंगे, आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों बैचेस को लैंग्वेजेस में ज्वाइन करने का ऑप्शन है। तो हिंदी में बस वही है कि हिंदी में जैसे पढ़ा रहे हैं आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में टोटल इंग्लिश होगा, साउथ वाले बच्चे इंग्लिश चाहते हैं तो वो हो जाता है। 8,000 रुपए इसका बेटा प्राइस है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्राइस अभी और आगे बढ़ जाएगा, तो इसको अभी के अभी ले लो, लेट नहीं करना। और विद्या से अच्छी इन्वेस्टमेंट लाइफ में कोई नहीं होती, ये विद्या को कभी पैसे से तोड़ लेनी चाहिए, है ना, ये बात हमेशा याद रखो। सबसे कहता हूं ना, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है लाइफ में अगर कभी हो सकती है वो एजुकेशन की हो सकती है, तो इसको वैसे भी नहीं तोड़ना, ठीक है। तो 8,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। अच्छा, मैं एक आपको यहाँ पे ना एक और यहाँ पे क्रैश प्लस का फीचर भी मिलेगा। तो क्रैश प्लस जो है बेटा वो हमारा 20,000 का है, इसमें और इसमें बस सेम बैच है, बस एक एडिशनल चीज आपको मिलती है, वो है पर्सनल टीचर। तो अगर आप बेटा पर्सनल टीचर चाहते हैं कि एक टीचर आपका शेड्यूल बनाए, आपको ट्रैक करे, आप फोन करो, कॉल लगा के आपकी बात को समझे, आपको अगर कोई 1-to-1 सेशन चाहिए वो सिस्टम से अरेंज करवा के दे, मतलब फिर ये एक आपके पास एक ऐसा मोबाइल नंबर होगा जिसको आप कॉल करेंगे, वो आपके सारे काम कर देगा, आपका बैकलॉग, आपका शेड्यूल, आपको कोई 1-to-1 डाउट्स किसी टीचर से अरेंज करवाने हैं वो भी करवा के देगा, तो फिर ये बहुत प्रीमियम फीचर है, तो ये आप ले सकते हो। ये उस बच्चे को लेने चाहिए जो खुद से बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर आप सारा कुछ खुद से मैनेज कर सकते हैं, किसी कोर्स की जरूरत नहीं है। अगर आपसे खुद से मैनेज नहीं हो रहा, कंफ्यूज हो कहां से शुरू करें, आप इसे ले लो। इसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से भी यूज कर सकते हो, लेके रख लो, आपको पूरा नहीं लगाना तो रिक्वायरमेंट के बेस पे एडवांस तक रिक्वायरमेंट के बेस पे अपना लगाते जाओ। अगर आप ऐसे इंसान हो, यार सर मैं तो जैसे जिम के अंदर जाता हूं, मेरे से तो डंबल, जैसे मेरे जैसे इंसान जब जिम करने जाता है तो जिम कंटिन्यू नहीं कर पाता, तो अगर मैं जिम कंटिन्यू नहीं कर पाया तो फिर मेरे भाई मुझे ट्रेनर चाहिए वहां पे, तो फिर ये तुम्हारा पर्सनल ट्रेनर है, फिर ये तुमसे जिम लगवा देगा, ये तुमसे एक्सरसाइज करवा देगा, तो फिर इसे ले लीजिएगा, ठीक है ना। फिर ये ले लो, फिर इसकी सारी जिम्मेदारी है, ये आपका सब कुछ सॉर्ट आउट कर देगा। तो बाकी है ना, जैसे आप समझदारी इंसान हो, अपनी अकलमंदी से अपना डिसीजन लें, बाय फुल कोर्स पे क्लिक कर देना।
अब मैंने साइन अप कर रखा है, आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के सिंपल साइन अप है, कुछ नहीं है, मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी आया, ओटीपी डाला, लॉग इन हो गया, खत्म बात, कुछ भी नहीं और साइन अप अपना कर लेना। अब एक और बात बताऊं, ये 8000 बेटा आफ्टर डिस्काउंट है, ये बैच 12000 का है, ये बैच 8000 का नहीं है, आप लोगों को प्यारे बच्चों हमारे ये 12000 का बैच है, तो इसमें 4000 पे कम तभी होगा अगर आप ये वाला कोड लगाओगे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, VSJCC विनेशवर जेई क्रैश कोर्स, VSJCC ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, ये सब हमने ऑटोमेट किया हुआ है। कई बार ब्राउजर की सेटिंग अलग होती है तो ये नहीं लगता, तो उस केस में फिर ये मैनुअली एंटर यहां पे इस डब्बे पे तुम्हें करना है, देख रहे हो ये डब्बा यहां दिख रहा होगा, यहां डाल देना है VSJCC, ये इस बात की जिम्मेदारी लेता है, तुम सबसे लीस्ट प्राइस पे करो, पेमेंट की मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे अच्छा लगे पे करके काम निपटाओ, पढ़ाई को शुरू करो बच्चों, ये फ्रेश स्क्रैच से बैच हमारा स्टार्ट होगा। और दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, थैंक यू सो मच, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर रहें, हम चैनल पे भी आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस एकेडमिक नॉन एकेडमिक आपके सामने लाते रहेंगे, ये चैनल आपका अपना घर है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, तो इस पे अपना पूरा हक समझते हुए इस परिवार को अपनाएं, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब ये परिवार बड़ा होता है। इस वीडियो को स्पेशली जो मैंने आज डिसीजन की बताई है, बहुत आराम से बताइए, इसे और भी बच्चों के साथ शेयर करिएगा, और खुद तो सब्सक्राइब बेटा जरूर रहे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों, जय माता दी, बाय बाय, वंदे मातरम। कोई डाउट है बेटा यहां पे चैट पे मुश्किल है लेना तो आप उसे कमेंट्स में डाल सकते हैं, ठीक है, ओके, और किसी का भी सेम डाउट अगर होता है तो फिर नया डाउट मत डालना, आप उसी डाउट को लाइक कर दो, वो ऊपर आ जाएगा, मुझे दिख जाएगा।